कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, दुआएं कीजिए देर ना दोनों हाथ हो जाए ऊपर करके। कहीं देर बेटा, कभी कॉपी करने के अलावा कंटेंट भी बना लो अपना खुद का। कंटेंट की बात नहीं है, बट जिस तरीके से देखो, बात ऐसा है कि विकेट आ नहीं रही और विकेट लेगा कौन भाई। मैं सही बताऊं, मैंने तो आपको मिड इनिंग में कह दिया था मेरी उम्मीद हार गई है, बिकॉज पिच बैटिंग आसान हो रही है, ड्यू हल्की हल्की आई है, ड्यू नहीं आई है, पांडे दिल टूट रहा है। पांडे देखो, पांडे एक सेकंड, पांडे अभी देखो नीचे 23.2 ओवर के बाद 126 पे 3 इंडिया, 126 पे 3 ऑस्ट्रेलिया, पर इसके बाद शुरू हुआ था द ग्रैंड केएल राहुल का अगले 20 ओवर, 41st ओवर तक वो डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल का काम, वही आपको यहां पे रहेगा। लग तो ऐसा ही रहा है कि वो जो उन्होंने बहुत ज्यादा आकाश मरवाया ना, आकाश बात पता क्या, यहां से अभी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए रह गए हैं ऑलमोस्ट 115। अब अगर किसी टीम को कहा जाए कि आपको आखिरी 27 ओवर में 115 बनाने हैं, वो कहेंगे बन जाएंगे, पिच जितनी मर्जी मुश्किल यार, पॉइंट तो एक विकेट दूर है यार लक्ष्य आप, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अभी भी आपने ट्रेविस हेड बॉल, बात पता क्या है, नितिन रनों का प्रेशर नहीं है, एक विकेट दूर है ना, इंग्लिश मैक्सवेल मेरे हिसाब से ना जिस तरह की बैटिंग आज केएल राहुल ने की है उससे बेहतर स्टार्क भी कर जाएगा, कमेंट्स तो पूछे ठीक है, कोई नहीं करेगा, लेकिन भाई जीत के लिए डेस्परेट वो भी होंगे ना, ट्राई करेंगे। नितिन पिछले 5 ओवर में कोई मौका भी बना है, आप ले सकते हो, नहीं मौका तो कोई नहीं बना है, पर करना तो पड़ेगा ना यार, आपको भी विकेट पर भरोसा है, विकेट तो लो, 1.5 करोड़ जितने लोग बैठे, 1.5 लाख, 1.5 करोड़ नहीं, बट जो भी है एटलीस्ट कम से कम उन्हें मुश्किल तो क्रिएट करवाओ, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मुश्किल क्रिएट मत करो, वर्ल्ड कप जीतता है ना विकेट लो भाई, आपको करना पड़ेगा, आपको ये करने के लिए उन्हें थोड़ा सा फाइट लड़ाना पड़ेगा, ऐसा तभी तो आप देखो प्रेशर झलक रहा है, बिकॉज शामी को भी ले आए, पता है भाई विकेट ना ही तो आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं पीछे, बुमराह का एक स्पेल आप करवाओ, मैच ही वैसे भी 50 ओवर जाने वाला है, नहीं मुझे नहीं लगता ये मैच 50 ओवर बचाओगे थोड़ी ओवर बचाओ। मुझे बता अभी अब क्या हो गया, आप यही कहने वाले हो ना कि बिल्कुल बराबर थे उस जो अगले 19 ओवर 41st ओवर तक केएल राहुल ने 50 डॉट बॉल खेली थी, वो भी तो शुरू होएंगी यार, बिल्कुल सुशांत भाई वही डिफरेंस है 23.5 पे, हमारे भी 127 उनका केएल राहुल, लबुशेन भी तो सेम ही खेल रहा है ना, 25 डॉट बॉल, सुशांत भाई एक सेकंड, यहां से चाहिए 114 रन, किसी भी टीम को पूछो आखिरी 26 ओवर में 114 रन बनाने हैं, टारगेट तो दिमाग में रस्ता तो पता है ना भाई, ये रस्ता है कैलकुलेटिव खेलेंगे, और जैसी बैटिंग आप प्रेशर क्यों नहीं ले रहे, मैं आप पे हैरान हो रहा हूं, दो विकेट की बात है, कब अगर कब आएंगे, अभी आ रही है सोच, अभी दिला रहा हूं आपको, दिला रहा हूं, बोल दिया आपको, देखिए आप चमत्कार, मैं तो कहता हूं नमस्कार आपके सामने दिखा रहा हूं, अभी ही आपको चाहिए विकेट ना, अभी मिलेगी देखना, बैक टू बैक आपको दो विकेट चाहिए तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी, चारू मैं आपको भी चमत्कार दिखाऊंगा, आप दिखाओ, मैं तो कह रही हूँ हाथ जोड़ के, चमत्कार को नमस्कार अगर हो जाए, अभी देखिए आप, अब विकेट देखिए आप, जडेजा मैंने क्या बोला कल से, जडेजा अब आप देखिए, जडेजा रणवीर सिंह भगवान जडेजा राहुल को जोश, अब तू देख, अब देख जडेजा को, इस ओवर में दो विकेट आ रही है भाई, भगवान करे आपको बात जाना, आप चमत्कार को नमस्कार, अगर ये सच हो गया ना, मैच अभी हुआ नहीं है ना, इसी ओवर में दो विकेट दिखाओगे बाबा, आप रुक जाइए लक्ष्य तक, आपके मुंह में घी शक्कर, जय श्री राम, आउट, स्लिप 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 फिर से नहीं है, क्या ये कैच थी या नहीं थी ये बता दो, देखने दो रिप्ले, यार ये कैच थी यार, स्लिप थी ब्रो, हां उसके हाथ में लग के गई है बॉल, तो केएल राहुल पे है, इस ओवर में दो विकेट है वैसे, कोई बात नहीं, बच गया ना, कोई बात नहीं, कैच थी वैसे भी, कर क्या रहा ये, मैंने जडेजा को देखने में दिया आउट है, राहुल में लगा ले भाई, स्लिप का रास्ता है और आउट था, स्लिप का रास्ता यार, ये विकेट कहां है, लेकिन अभी भी जडेजा इस ओवर में देगा विकेट, स्लिप होनी चाहिए थी ना, बच गया ना विकेट, स्लिप तो रखनी चाहिए, शुरू से बोल रहा हूँ स्लिप, बिना तो स्लिप रखे दिख नहीं सकते, कप्तानी चल रही है आज, आउट यार, कोई नहीं, लबुशेन को कर ले, लबुशेन आउट है, पहले लबुशेन आउट, फिर लबुशेन के बाद कौन आएगा, 64 पे आ गया 70 बॉल पे, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, लबुशेन के बाद कौन आएगा, इंग्लिश मैक्सवेल है, इंग्लिश है, स्टार्क कमिंस, मैक्सवेल भी आउट है, चलो पहले इसको आउट करवाता हूं, एक तो करवा, लबुशेन को आउट कर, जडेजा कम ऑन पे, आपने तीसरा विकेट लिया आराम से, कर सुशांत ने कई तरफ, चलो फ्लिक स्लिप नहीं थी, वहां तो चाहिए थी वो स्लिप नहीं थी, बट यहां पे सुशांत ने चार बॉल में सिर्फ एक बॉल में ट्रबल हुई है, मुश्किल बहुत थी वो कैच, नो डाउट, एक बॉल पे ट्रबल हुई है,
रुक जाना यार, सेकंड इस पे भी तो हवा में उठ रही थी बॉल, अब तो स्लिप लगा दो यार, कमॉन 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 जडेजा सुशांत भाई आपका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। पहली बॉल पे तो कैच थी ना वो, बट सुशांत होने और ना होने में बाद में नहीं देखेंगे, कैच थी वो तो जीत जाते, दिस इज द फाइनल, जीत तो जीता ना, तभी तो मेरे को डर लग रहा है यार, रन इजीली आ रहे हैं उनसे। जडेजा आपके मानो जडेजा बहुत इकोनॉमिकल रहा है अभी तक, बट विकेट्स के बिना सुशांत भाई 240 नहीं डिफेंड होते, तभी तो मुझे डर लग रहा है। अरे वो कह रहा हूँ आप पता नहीं क्यों डर रहे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी, 105 रह गए, 7 विकेट बची है। नहीं यार मैच तो बहुत हद तक उनके गिरफ्त में है, वो आगे हैं यार, वो आगे हैं, वो आगे हैं, वो 70% आगे, वो 65-35 जो मैं कह रहा था शुरुआत में वो है, वही सिचुएशन है भाई। आपने 45 पे तीसरा विकेट लिया था, 45 46 और 100 रन बन गए उसके बाद, 100 रन बन गए उसके बाद। आप ये भी तो देखो, आपने 100 रन पड़वा दिए वहां से, लगभग 90 हो गए। शमी आ गया, चलो यार शमी भाई विकेट ले लो, शमी भाई ले लो, कुछ नहीं होने वाला, खिलवा दिया, चौका मरवा दिया यार, खिलवाड़ी हो रहा है बॉलिंग के साथ, बैटिंग के साथ, 102 रन बॉलिंग के साथ, कुछ नहीं होगा। अब पैनिक बटन दब रहा है आपका, गया मैच लग रहा है, डर अभी कुछ नहीं होगा। 102 तो हल्की सी ड्यू आ रही है, बॉल गीली हो रही है, बैटिंग आसान हो चुकी है। अरे जो स्टार्टिंग में मुश्किल हुई थी ना वो आसान हो गई सुशांत भाई, ड्यू आ रही होती तो ये कहां है, पोंछे पोंछे ड्यू वाले वर्ड्स मैंने अपने वापस लिए, बैटिंग आसान हो गई ना, बैटिंग तो आसान हो गई, बैटिंग आसान हो गई जब पहले 5 ओवर में बुमरा आपके कितने अच्छी बॉल मूव कर रहे थे, सिराज शामी कर रहे थे यार, ले ले शामी भाई विकेट, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ यार रन नहीं है ना यार, 102 ही रन है, चौके पे चौके पड़ रहे, पता नहीं कर क्या रहे ये लोग यार, फिटनेस मंत्रा बोल रहे हैं, इट्स ओवर नाउ, रन जहां पे कैच थी वहां पे स्लिप नहीं लगा रखी, अभी भी ड्रामे चले जा रहे हैं आपके पास, रन सिर्फ 102 है, अब 102 ही बचाना है यार, एक विकेट चाहिए अभी भी, रुक जाओ यार ज्यादा वो मत करो, अब 2 विकेट चाहिए 102 रन पे, एक अभी तो एक तो लो पहले, पहले एक तो लो यार, फिर दूसरे की बात करो, इसको तो आउट करो लबुशेन को, ये चौके मार रहा है, बताओ यार वो भी स्ट्राइक रेट बढ़ा रहा है, टूर्नामेंट में चला ये चौके मार रहा है, वो भी स्ट्राइक रेट बढ़ा चुका है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब इसको तो आउट कर लो यार, शमी भाई आउट करेंगे, कम ऑन, कहां से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसी भी तरीके से नहीं फंस रहे हैं, डेड हो चुके हैं, पीछे मेरा टम्बलर होगा देना, पीछे मेरा क्या यार, इस पिच में तो कुछ भी नहीं लग रहा, वही तो मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन जडेजा के बॉल पे थोड़ा सा तो मिला था मौका, सुशांत जी मौका मिलने में और मौका कन्वर्ट होने में बहुत फर्क है, और वही आपका वर्ल्ड कप है, और वही नहीं हो रहा, ऐसी थोड़ी हम डर रहे हैं सुशांत भाई, पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ने स्लिप कभी नहीं हटाई, आज पता नहीं क्यों स्लिप नहीं रखी हुई है, आज पता नहीं दो बार स्लिप लगी, कुलदीप यादव के सामने भी और जडेजा के सामने, 1,30,000 लोग चुप हो गए बैठे वहां पे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, कीर्तन करें वहां पे, कुछ कर ही नहीं सकता ना भाई, तभी अब मोरल डाउन हो रहा है ना यार, ये लबुशेन को तो आउट कर लेना चाहिए था बहुत पहले ही, इसको भी सेट, और लबुशेन इज नॉट डूइंग दैट मिस्टेक जो की थी आपके राहुल ने, हां बीच में एक आधा लगा जा रहा है, हां तो ये भी वैसे ही रहा है, मतलब फिर भी लगा रहा है ना, सुपर चैट ले लो यार, 70 और 50 की स्ट्राइक में बहुत फर्क है, अबे सुपर चैट एलिगेटर बोल रहा है व्हाट्स विद रोहित टुडे नो स्लिप अटैक्स, वही ना बंदे गिर दिए, आज मैं वही बोल रहा हूँ, आज आपका असली टेस्ट है, जब आपके पास रन कम है, 400 रन तो कोई भी कप्तान डिफेंड कर लेगा, आज करो ना आप 240 पे अटैक करिए, वाइस अ डिफेंसिव, दिस इज नॉट द इंडियन टीम वी सॉ इन द होल टूर्नामेंट, कोई चारा नहीं, बस कैच कैच अबे यार भी तो नहीं है ना, क्या सही बॉल मारी थी हेड को, देख शॉर्ट बॉल पे ही फंसा था, रोहित शर्मा के चेहरे पे लबुशेन को दी ना, रोहित भी था फंसा तो था, रोहित के चेहरे पे भी वो पैनिक लग रहा है यार, थोड़ा थोड़ा पैनिक होगा, नहीं 100 रन चाहिए, रोहित के कंधे गिरने लग रहे हैं यार, अब तो 100 रन आ गए तो उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, वही तो कह रहा हूं आपको, सी सिंह यार ऐसे मत बोलो, सारे प्रेडिक्शंस गलत हो गए, नहीं अभी रुक जाओ, अभी बचा हुआ है यार, ये विकेट बनती थी यार, कितनी अच्छी बॉल फंस तो गया था, ये फील्डर टॉपेज लग गया था, कहां है हमारे भाग्य का साथ नहीं मिल रहा यार, और भी तो बहुत ज्यादा आए थे फील्डर्स, थे हमारे पता नहीं 10 भी नहीं नजर आ रहे, उनके तो हर एक प्लेयर के रूप में को जडेजा दिख रहा था पहली पारी में, सभी फील्डिंग अच्छी कर रहे थे, शामी भैया तो काम बॉल ही नहीं उठ रही, भाई डाइव लगा ले, अबे कहां डाइव लगा ले, बहुत तेज गई यार, बहुत तेज गई है, गोली की स्पीड से गई है, बात बताओ पिछले लाए शामी को विकेट लेने के लिए, 9 रन आए 100 ओवर में, वो तो ठीक है, रोहित शर्मा के कंधे गिरे नजर नहीं आ रहे अभी आपको एकदम से, वो करेगा क्या, वो जिसको भी लगा रहा है चौके खा रहा है, गया फिर किसी ने कोई लग रहा है विकेट लेने वाला, गया फिर फील्ड उसने लगा नहीं रखी रोहित शर्मा ने,
बॉलिंग हो नहीं रही, अब बुमराह को लाके एक और देख लो लास्ट और गया फिर सिराज आया पिट गया 100 से नीचे आ गया आपका कुलदीप आया छक्के पड़ गए 100 से नीचे आ गया काम गया कोई नहीं यार देख एक विकेट में अभी भी ओडीआई में चेंज रहती है गेम लेकिन विकेट आएगी कब और लेगा कौन बुमराह ले सकता है अब डबल डिजिट में आ चुकी चीजें 97 हो गया देखते भाई अभी रुक जा मैच बचा हुआ है यार एक तो कोई इंस्पिरेशन चाहिए कहीं से जडेजा ही लेगा यार मेरे को पता नहीं क्यों फील आ रही है जडेजा ही करेगा पिछले ओवर में एज का चांस निकला था ना एक हवा में भी गई एक ओवर में दो विकेट जडेजा ही लेगा देखिए ले जाए हम कहते हैं यही हमारा सुपरस्टार ही आउट करवाएगा बाकियों के तो बस की नहीं लग रही अब बुमराह या जडेजा पढ़ लो सुपर चैट पढ़ लो आतिफ बेग बोल रहे हैं पाकिस्तानी विशिंग इंडिया ऑल द बेस्ट कोहली डिजर्व्स दिस कप फॉर हाउ वेल ही प्लेड थ्रू आउट यार एक मेरी गुजारिश है आप लोगों से प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्पोर्ट्स यारी को यार ये बहुत इजीली आप लोग लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते इतना गद्दारी ना करिएगा खुददार बनिए गद्दार नहीं है ना तो लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्रिकेट रॉकेट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए stake.com को भी विजिट कर सकते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा नोटिफिकेशन की घंटी बजाना उस पर ऑल का बटन दबा देना लाइक तो अभी के अभी कर लो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब फिर भूल जाते हो फिर जब वीडियो आता पता नहीं चलता एक विकेट की बात है ना इसी ओवर में दिलवा रहा हूँ देखो कम ऑन जडेजा नहीं मिडल से निकाल नहीं नहीं कोई नहीं निकालने दे हेड को आउट करना है ना हमने अभी कौन है स्ट्राइक पे बस कम ऑन जडेजा कम ऑन यार मैजिक चाहिए मुझे इसी बॉल पे आउट चाहिए पिछले ओवर में भी आउट ही था बच गया पता नहीं कैसे यार रोहित मेरे को बहुत डाउन लग रहे हैं प्लेयर्स को मोटिवेट करें बॉल में भी इतना ग्रिप नहीं हो रहा कुछ भी प्लेयर्स को मोटिवेट करें रोहित भाई कुछ भी नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा बात करनी चाहिए यार सबको बुला के एक बार पूरी इंडियन टीम के कंधे गिर चुके हैं भाई शांत भाई हर्डल बनाओ बात करो कुछ तो बात होगी ना यार सीरियसली शांत भाई बोल रहे तारीफें हो रही थी रोहित शर्मा की क्या प्लान करके आए हो ये चोकर्स फील्ड नाइस पर सिंगल निकल गया अब तो एक एक रन भाई फील्डिंग में क्या यार अब 23 ओवर में 93 रन क्या है कुछ भी नहीं है यार हलवा और इनके बैठे हुए जो बैटर्स है जॉस इंग्लिश है मैक्सवेल है आउट चाहिए यार एक विकेट तो लो इनका बैटिंग लाइनअप एक से शुरू फाइट करो एक विकेट नहीं ले पा रहे यार ऊर्जा नहीं दिख रही विकेट लेने की एनर्जी नहीं नजर आ रही है शांत नजर आ रहे हैं कंधे गिर चुके हैं हार गए खत्म हो गया ना कोई कुछ कुछ बोल रहा है सभी मतलब ऐसा लग रहा है सुपर चैट दिखा दो रॉबिन बस क्या यार ये अच्छा खासा शुरुआत में 50 पे 3 थे जैसे कि बोला भी उन्होंने यार कमबैक कर चुके थे वहां से वर्ल्ड कप खत्म हो गया भाई आपका मुझे भी लग रहा है मैं तो यार अभी से खत्म हो गया रुक जा अभी नहीं देख मतलब कोई अभी बहुत मैच बचा है सॉरी अभी नहीं खत्म हुआ प्रकाश अग्रवाल बोल रहे हैं प्लान बी कहां है एंगल चेंज करो लाइन एंड लेंथ चेंज करो कुछ तो करो भाई स्लिप तो लगाओ कब तक सही बात है सरेंडर ही कर रहे हैं कुछ तो करो एग्जैक्टली यार They are just playing into the hands of Australia. कि बस बॉल डाल दो होप करो कि वो गलती कर ले ऐसे कोई नहीं ऐसे गलती कोई करेगा ऐसे विकेट नहीं आएगा फाइनल चल रहा है आपकी तरह नहीं वो बेवकूफ आपने देखा था 7 बॉले खेल के एक चौका मारे आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया वाले प्लानिंग क्या लेकर आ रहे थे हर लग रहा था हर बंदे के लिए प्लान सेट सूर्य आया था नंबर 6 का बैटर नंबर 6 के बैटर के लिए जब कह रहे थे भाई पीछे फील्डर का के रखा हुआ है यारी तो हमारी भी पहले बड़ी अच्छी थी आज पता नहीं क्यों बौखलाया बस बुमराह आ गया कम ऑन यार बुमराह प्लीज प्लीज आउट तेरे से उम्मीद है भाई आउट कैच इट नवासी रन कुछ भी नहीं है अब पीछे जॉस इंग्लिश बैठा मैक्सवेल बैठा ये दोनों पार्टनरशिप यार खत्म कर दिया खत्म कर दिया मैच खत्म कर देगा आपका वही उस टाइम बड़े रिलैक्स की ट्रैवल साइड वहां पे निकाल सुपर चैट पढ़ लो यार इतना से लाएंगे मोटिवेशन रजनी गांधी बोल रहे हैं दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द 2018 आईपीएल एसआरएच डोमिनेटेड द एंटायर टूर्नामेंट फिनिश्ड टॉप ऑफ द टेबल बट सीएसके बीट अस वन साइडेड इन द फाइनल चलो ठीक है अबे अंदर है अंदर 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 है वो अंदर उसका बैट अंदर है सही अंदर उसको पता था इतना कोई फायदा नहीं अलर्ट है वो चीज को लेके दाऊद एम बोल रहे हैं कैन बुमराह बी द वसीम अकरम ऑफ 1992 वर्ल्ड कप फाइनल माय गट फीलिंग इट इज बुमराह वर्सेस हेड मैच व्हाट यू पीपल मुझे भी लग रहा है भाई यही बैटल मैं तो हम तो भगवान पे भरोसा है सब अगर इस ओवर में विकेट नहीं आई
तो फिर आपका कोई यही बैटल है बुमराह और हेड इस ओवर में अगर विकेट नहीं आती तो आपका आपका कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले सकता सीधी सी बात फिर अब बचेगा कौन आपने तो सभी ट्राई फिर आपके लिए खेल खत्म सभी ट्राई कर लिया सुपर चैट पढ़ लो रवि एस टू गाइस मैं अपना 112 वाला के वाला दिखा दो यार ये शायद पहले आई हुई थी वाला मोनेटाइज YouTube चैनल सेल कर रहा हूं लेना हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो ऊपर है डोमिनेट कर गया खत्म यार खत्म यार मैं ये कह रहा था ना कि ये विकेट नहीं लेगा तो खत्म मैच और 85 रन धीरे-धीरे करके वो बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं इजीली यार कितने रन चाहिए अभी 85 85 जस्ट 85 और तीन नीचे इंग्लिश और मैक्सवेल बैठे अरे छोड़ो यार इंग्लिश मैक्सवेल तक बात तो तब आएगी ना जब विकेट आएगी वही तो मैं कह रहा हूं भाई अगर आप यहां से सोच भी लो कि आप विकेट भी आ जाए तो फंसोगे ना कितने रन चाहिए अभी भी 85 है ना रुक जाओ यार एक विकेट चाहिए मैं आप पे हैरान हो रहा हूं 85 रन में कैसे यार एक विकेट की बात है कम ऑन बुमराह कैच है नहीं आया यार पर पढ़ के मार रहे ढंग से 13 ओवर में मैच खत्म 40 ओवर में करते अभी हेड मतलब रन बॉल भी नहीं खेल रहा आप देखो रन बॉल से कितने 70-80 हो चुका है करीब रन बॉल पहुंच चुका है वो जो मर्जी हो भाई दिल टूट रहा है यार अपने फ्रेंचाइजी साइड के लिए भी ये किया था जब बिग बैश खेल ये एक्सपेक्टेड नहीं था यार इतना बुरा नहीं था एक्सपेक्टेड यार आउट दे दे भाई नहीं यार बैट लग गया बैट तो नहीं लगा है डाउन द लेग से हम जा रही है तो अलग बात है हां देख ले रिव्यू ले ले लो भाई ले लो आउट आउट है मेरे ख्याल से आउट है ले लो भगवान प्लीज भगवान जी यार केटल बराक तेरे अंपायर्स कॉल पे बच गया ना तेरे को बताऊंगा फिर मैं मेरे को तो सीधी लगी अगर बैट नहीं लगा तो आउट है अंपायर्स कॉल पे ना बच जाए यार कसम से मुझे लग रहा बैट लगा बैट लगा हुआ तो बहुत कॉन्फिडेंट होता है नहीं यार देखना कहाँ लगी है लेग को मूव कर रही है देखते हैं देखो बॉल कॉल नहीं आउट होगा बॉल ट्रैकिंग आउट होगा क्योंकि वो लगी भी पीछे है तो आई थिंक वो डिस्टेंस भी कम है स्टंप्स तक आउट होना चाहिए ये देख एक विकेट चाहिए थी आ गई ना अरे रुको और इसी ओवर में दूसरी विकेट चाहिए आउट है यार ये पक्का यार अंपायर्स कॉल ना अरे बंद करो यार इसको अभी सब बंद कर लो अभी इसको बंद करो बैट तो नहीं लगा भाई बैट नहीं लगा है और ये आउट है 100% मुझे अंपायर्स कॉल बन रहा है ये मत बोल दियो कि अंपायर्स कॉल में बच गया नहीं 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 देखना पीछे से लेग स्टंप भी दिख रही है आउट है 100% देखियो आउट है यार यस अबे यार लेग बाय था ना अंपायर्स कॉल बच गया ये कैटल पर अंपायर्स कॉल पे बच गए मूव कर रही थी देखो पढ़ने भाई तो अंपायर्स कॉल पे बच गया क्या मूव कर रही थी यार आउट है वो ये कैटल पर बच गया कैटल पर फिर आ गया ये यही है कैटल पर इस खुद मुंह मारने से पता इसका बैट बजेगा अभी आधे घंटे में क्या यार ये आउट था यार ये अंपायर्स कॉल पे What the hell is this, यार? हक में नहीं जा रहा है यार कुछ भी हक में नहीं जा रहा है यार बैटिंग खराब परफॉर्म कर गई सीधी लग रही थी आउट था यार ये आउट था भाई क्यों नहीं अंपायर ने दिया यार कुछ हक में जाएगा कैसे यार कुछ हक में जा ही नहीं रहा है स्लिप नहीं लगा रहे हो आप कैचो के लिए फिर LBW हो रहा है तो अंपायर्स कॉल होता है क्या हो रहा है यार अबे यार इतनी इतनी से चूक रहे ना आउट तो गेम खराब हो रही है यार आउट तो था क्लियर सामने लग रहा है क्लियर आउट था यार मैं देख रहा हूं जब उसको मैं सीधा लग रहा है यार आउट था वो यहाँ से आपको कोई जादू चाहिए यार क्या यार That's it. यहाँ पे आपको कोई चमत्कार चीज जीतने के लिए यार ये भी विकेट नहीं मिली बताओ यार जो प्लम्ब आउट था वो भी नहीं मिला यार प्लम्ब आउट था ये कैसे विकेट अंपायर्स कॉल हो गई वैसे पता नहीं क्या करके रखा हुआ है हाउ द हेल वाज दैट अंपायर्स कॉल अंपायर्स कॉल तो कभी आपके हक में जाएगा कभी नहीं जाएगा वो तो सच है ना यार अरे ये अंपायर्स कॉल था ही नहीं यार वो हिटिंग ही था कैच पकड़ो यार शॉर्ट बॉल तो मजाक में यार शॉर्ट बॉल तो मजाक में खेल रहा हूं शॉर्ट बॉल में कोई दिक्कत नहीं हो सेट हो चुका भाई हेड नहीं छोड़ रहा सेट ये सेट हो रहा है शॉर्ट बॉल नहीं छोड़ता और आपको लगता है कि एक विकेट से भी कुछ चेंज होगा सिर्फ एक विकेट से भी कुछ चेंज जितने भी आए हैं 3 विकेट 4 विकेट लो अभी खत्म कर दिया चाहिए कुछ सेशन में लेकिन ये तो आउट चाहिए यार कैसे बच गया यार यार ये क्या ही बोलो कैटलबर्ग कैटल ब्रो भी क्या भाई कर रही थी
शोएब जी कह रहे हैं जो चिप वाली बोल रहे थे पाकिस्तानी के वो बॉल ले आओ बॉल ले आओ, ठीक है भाई प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप भी लोग बोल दीजिए यार एक बार मैं अकेले बोले जा रहा हूँ गाइस लाइक कर देना वीडियो को क्योंकि लाइक नहीं करते हैं लोग व्यूज काफी सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो यार और नोटिफिकेशन घंटी बजा दो यार एक विकेट भी मिल जाती तो भी कुछ हो जाता ये तो आउट था यार ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है यार छोड़ो यार ये एक्चुअली हमारे साथ भी वही वाला मोमेंट हो गया जो हारिस रॉफ के साथ हुआ था ना याद है साउथ अफ्रीका जब वो आउट था क्लियर लग रहा था और अंपायर कॉल में बच गया था ये अंपायर कॉल को उस दिन ही मैंने बोला था हटा दो अल्टीमेटली विकेट्स पे लग गया तो आउट है यार ये क्या मतलब उनके साथ भी साउथ अफ्रीका वाले मैच में यही हुआ था अब आ गई ड्यू रविंद्र जडेजा विकेट ले ले भाई दो सिंगल आ गया यार इसकी भी लॉलीपॉप बॉलिंग शुरू हो गई है लॉलीपॉप बॉलिंग शुरू हो गई है न्यू तो है भाई न्यू है न्यू है भाई आदिल फरूक बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ट्रूली द ग्रेटेस्ट क्रिकेट नेशन अब उम्मीद नहीं क्या सकते हो भाई उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आठ मैच जीत के वो फाइनल जीत गए हम 10 में 10 जीत गए क्या हो गया अभी रुक जा फाइनल इज फाइनल नहीं नहीं अब कैच पकड़ लो कैच कुछ नहीं कहां जीतेंगे आप जीत ही नहीं पाएंगे यहां से 77 रन ठीक है यार इतना कम भी नहीं है तुम लोग तो पहले आप 70 बहुत कम रन है ना बहुत डबल 70 रन अगर बैट्समैन ने आना इंग्लिश ने आना विकेट जल्दी आ गई फिर क्या कहेंगे आप 1 सेकंड 1 सेकंड सुशांत भाई जब से 110 पिछले ओवर में बुमराह ने आउट कर लिया था ना 1 सेकंड जब से 110 रन बचे ना आप यही कह रहे हो उसके करते 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 77 पे आ गए हैं 40 रन तो बन चुका है आपकी भावना समझ रहा हूं आप पॉजिटिव रहना चाहते हो बट सुपर चैट दिखा दो कभी-कभी रियलिटी को अभी आप उनके गेम है उनके हैंड में गेम है वो हार सकते हैं यहाँ से कर ले कर चोक अगर कर दे तो हो जाएगा कोलैप्स यार यहाँ से यार 7 विकेट आपके हाथ में ऑस्ट्रेलिया चोक कर दे बहुत रेयर होता है अरे यार वो क्यों विकेट देंगे यार मैक्सवेल को लेने के बाद Tamur Zaid बोल रहा है Marnus is playing same as KL. Difference is head consistently finding boundaries. Looking too easy for Australia now. Tough luck on that LBW decision. सही बात है भाई. इंडियन अगर तुम्हें लगा कि हमारे हक में वो ठीक है हमारे हक में जाता तो वो ठीक होता नहीं वैसे देखने से तो प्लम लग रहा था प्लम था यार वो स्टीव स्मिथ भी आपको किस्मत से मिल गया वरना वो उसने रिव्यू नहीं ली उसकी गलती गलती है बट आपको विकेट मिल गया उसका भी शुक्र मनाओ फिर आपने उसको लेके कुछ बोला ना आपको नहीं मिलता वो भी सुपर चैट दिखा दो भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों जो भी देख रहे हैं आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहते हैं गेम खत्म कर सब्सक्राइब जरूर कर देना ये भी खाने पीने का सामान यार ले जाओ भाई यहाँ से पीछे वालों को खिला दो ले जाओ भेजनर ऑपरेशन महाराज जी को अभी प्लम था बुमराह की बॉल पे बच गया वो पास करना अंपायर्स कॉल पे पास कर देना दे दो इसको दे दो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना स्पोर्ट्स चैरी को भाइयों और बहनों और लाइक भी कर देना वीडियो को यार 76 रन अभी भी हो सकता है भाई इतना इंपॉसिबल नहीं है तुम लोग को पता नहीं क्या सोच रहे हो वर्ल्ड कप का फाइनल है उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ जाएगा एक विकेट डाल दो हेड को आउट कर लो ना मिरेकुलस एफर्ट चाहिए सुपर चैट क्यों नहीं दिखा रहे पढ़ो जी ये ले ली थी ये वाली ले ली थी हाँ वो वाली ले ली थी ले जाओ ले जाओ बुमराह आउट करेगा यार कर दे मेरे भाई ओए यार स्लिप रख ले भाई अब तो स्लिप रख ले यार वैसे भी चौके जा ही रहे हैं स्लिप रख ले असम से रोना मैच वैसे भी हार रहे हो अब तो स्लिप रख ले भाई क्या कर रहे हो बिना स्लिप के कैसे करोगे भाई फील्डिंग पहले इतनी गंदी करी है कॉन्फिडेंस था भाई उसमें बोला था वो उसने टॉस भी जीता बैटिंग भी ली बॉलिंग भी ली अब लग रहा है कि सही डिसीजन था सुपर चार्ट दिखा दो रुक जाओ इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर 75 रन चाहिए ना अभी भी ओए यार बॉलिंग
इस टाइम पे ना ट्रेविस हेड को बॉल फुटबॉल नजर आ रही है. ही इज मिडलिंग ऑलमोस्ट एवरी बॉल ही इज मिडलिंग. जडेजा है, बुमराह है, शामी है, बॉलिंग अच्छी हो रही है, पर उस वो बहुत प्यारी बॉल तो मार रहा है वो. बढ़िया बढ़िया बढ़िया. राणा शर्मा, जडेजा इज यूजलेस एंड स्काई इज नॉट फिट फॉर द ओडीआई. स्टॉप कोटा सिस्टम, अदरवाइज सेम विल बी रिपीटेड. ठीक है भाई. आप इस टीम को कहेंगे भी क्या? हाईएस्ट रन स्कोरर इस टीम से, हाईएस्ट विकेट टेकर इस टीम से. ट्रॉफी कहाँ है भाई? जो चाहिए वो नहीं. ट्रॉफी नहीं आई बिकॉज 10 मैचेस आप टॉप पे ऑन द ट्रॉट. मेन मैच अभी तक आप बहुत पीछे हैं, बट फिंगर्स क्रॉस्ड. मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब थोड़ा थोड़ा सा रोना आ रहा है आपको. अब आ रहा है, मैं आप पे हैरान हूँ आपको अब आ रहा है सबसे, बिकॉज अब तो दिल रो रहा है. मैं रो के ही आ रहा हूँ. कमाल ही हो गई ये तो. इतनी अच्छी, इतना अच्छा टूर्नामेंट, 10 में से 10 जीते, वन साइडेड कन्विंसिंग, और आज भी शुरुआत अच्छी कर दी थी सेकंड इनिंग्स में. ऐसा लग रहा है क्यों देख रहे हैं हम सीरियसली. 47 for 3 जब किया था तब लगा था कि यार आज हो जाएगा. आज के भाई बोल रहे हैं कि इंडिया शुड हैव वन एट होम, डिसअपॉइंटिंग. सही बात है भाई, इससे अच्छा मौका. 2 विकेट टेकर, टॉप 2 रन स्कोरर आपके विराट, टॉप सेकंड रोहित, टॉप बेस्ट बॉलर शामी आपका, हर चीज में आप टॉप पे रहे. आप गेम में होते, अब आप पे प्रेशर पड़ रहा है, आप एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हो, विकेट ले लो विकेट ले लो विकेट ले लो विकेट ले लो, तब आप कंटेन भी कर सकते थे. उन पे प्रेशर होता है कि उनको रन मारने थे, उन पे प्रेशर ही नहीं कोई, उनको कितने रन चाहिए पर ओवर, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो उनको थोड़ी रिस्क लेना है, आपको रिस्क लेना है ना. आपके बैटर्स ने पहले ही खत्म करवा दिया मैच भाई, उनके आउट नहीं हुए, उनके आउट होने के बाद देखो कैसे खेले. मतलब बताता ना बैटिंग कितनी मुश्किल है, 90% ऑस्ट्रेलिया का. विराट कोहली बता रहे हैं उसको फील्ड सेटिंग्स. रोहित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं भाई. उनको तो क्या बेचारा, बिल्कुल बड़ा मैच है यार, पहला वर्ल्ड कप उनका भी नहीं आ रहा. वर्ल्ड कप फाइनल हो रहा है और आपके हाथ से बिल्कुल निकल चुका है, कोई समझ ही नहीं आ रहा कौन विकेट लेगा. जडेजा पे मेरे को बड़ा भरोसा है भाई, ले ले विकेट यार जडेजा प्लीज. कम ऑन यार, कम ऑन प्लीज. जडेजा कर सकता है, एक्स फैक्टर है यार, पहले भी लग रहा था. करना पड़ेगा यार, कर दे यार, कर दे भाई. हारोगे तो तुम भी ना. ये देखो गुस्सा था वो जो हुआ था रिव्यू वाला. नहीं बट यार जसप्रीत बुमराह कभी ये लगेगा फाइन इस पेसिस का. जसप्रीत बुमराह कभी ऐसे नहीं करता, वो आउट था भाई, इतनी अच्छी बॉल डाली. वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो यार, स्लिप रख ले भाई. एक विकेट यार, स्लिप नहीं रखी बस एक विकेट यार. इजी सिंगल ये जो आ रहे हैं ना यार, 30 यार्ड पे भी पीछे है बिल्कुल. प्रॉब्लम आज यही, हमने सिंगल्स बड़ी बहुत ही, हमने कोई अटैकिंग एक्स्ट्रा रखी, हमने कोई स्लिप नहीं रखी, और हमारी बॉलिंग भी बड़ी एवरेज हुई है. बहुत एवरेज. एक्स्ट्रास हमने बहुत ज्यादा दिए, कितने एक्स्ट्रास दे दिए अभी तक यार, 20-25 दे दिए होंगे. इंडिया नॉट प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट, अटैकिंग बिल्कुल भी नहीं है भाई, डिफेंसिव बिल्कुल, हमारा दिमाग ही आउट हो गया है यार. रविंद्र जडेजा प्लीज इस ओवर में 2 विकेट ले ले भाई. एक दिन अटैकिंग नहीं खेले और वही दिन मेन था. ये नेदरलैंड से हार गए होते यहां मत हारते. भाई फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, मैच हम आपके साथ ही देखते हैं, और आपके लिए आप 12-13 घंटे रोज लाइव रहते हैं, तो ये वर्ल्ड कप देखने में आपके साथ बड़ा मजा आया, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और साथ में आप लाइक का भी बटन दबा दीजिएगा इस वीडियो के ऊपर. और स्पोर्ट्स चैरी को सपोर्ट तो आप करती है, बस इंडियन टीम के लिए भाई अभी दुआएं करें कि कुछ ना कुछ 1-2 विकेट तो मिले कम से कम. तो सच में आप दुआएं करो, आपको ऊपर वाले बता सकते हैं. ट्रेविस हेड ने डेड कर इजी खेल रहा है, कुछ बहुत 3 विकेटें आ गई उसके पास, एक पार्टनरशिप लगी और आपके कंधे गिर गए. बिल्कुल भाई, एक सेकेंड लगता है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और लाइक का भी बटन दबा दो, एक सेकेंड लगता है, बस जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन घंटी भी बजा लें, लाइक कर देना सर, लाइक भी कर दें इसको, तो आउट करो यार. और लबुशेन की वही इनिंग्स, सही कह रहे थे, केएल राहुल वाली इनिंग्स है बिल्कुल सेम. आउट कर दो भाई यार, उनको बहुत दिमाग खेला वो भाई, एक तरफ मान लिया वो केएल राहुल खेल रहा है, पर दूसरी तरफ तो हेड अलग लग रहा है. 73 रन चाहिए उसको, कोई जरूरत ही नहीं चेस खेलने, हेड वहां पे क्यों लेना देश. अरे यार हेड की भी बात नहीं है, हेड आउट भी हो जाए तो भी उसको जरूरत नहीं चेस खेलने की, उनको पता है उसको रन बॉल भी नहीं चाहिए, 240 चेस करना उसके पास टारगेट है. हमारे पास सिर्फ टारगेट नहीं था, एंड यहीं पे शायद आप कह सकते हैं पैट कमिंस का वो टॉस का फैसला ठीक साबित हो गया. सुपर चैट दिखा दो यार, ठीक साबित हो गया, वर्ल्ड कप ही ले गया, वर्ल्ड कप ले गया उसको ऑलमोस्ट.
यहाँ पे विकेट नहीं आई दो तो आप गए। अभी भी मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, पागल पागल हो चुका हूँ क्या? मेरे को पता नहीं, बड़ा रिलैक्स कहना नहीं चाहिए मेरे से, बड़ा लग रहा है मुझे, आप लोग कर रहे हो, विश्वास नहीं हो रहा कि हम हार सकते। प्रेडिक्शन चल रही थी, वही था ना जो किया हमने, देखो सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा कि हम हार। देखो अल्टीमेटली आपको कर्म करने पड़ते हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। प्रेडिक्शन वगैरह सब फेल, चलो कर्म आपका टॉप टू रन स्कोरर आपके विकेट लेकर आपके आज के दिन में करना पड़ेगा ना, पीछे का आज नहीं आना था। चेयर को भी आगे नो मैट टिबेट बोल रहे हैं, इट्स ओवर भाई, थिंग्स आर नॉट गोइंग बाहर कर दे, नहीं रखना उस पे, उधर कर दे पीछे। बॉलिंग पे कौन है? तो विकेट लो भाई, अब एक नहीं दो रन हैट्रिक चाहिए भाई अब तो कुलदीप से, एक यार कुछ चमत्कार चाहिए आपको, बहुत बढ़िया चमत्कार, एक ओवर में दो विकेट का चाहिए अब, अब तो वही बचा सकता है। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई है, अब वो विकेट देंगे कुलदीप यार, बॉल वो विकेट देंगे, ड्रीम डिलीवरी डालनी पड़ेगी, वो विकेट नहीं देंगे यार, वो सेट है, मैजिकल डिलीवरी डालनी पड़ेगी तभी हेड को आउट करोगे आप। कुछ तो कर लो 170 पे 3 और रिचर्ड कैटल ब्रो, वो तो भाई अपना सुपर चैट पढ़ लीजिए सारी, तो ऑप्टी भी देना होता है पता नहीं, ये पढ़िए। निक एम बोल रहे हैं, आई एम सो हैप्पी, लव फ्रॉम पाकिस्तान, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, व्हाई आर यू सो हैप्पी? ओके, हमारे यार इनको एक ही तो खुशी थी आज कि इंडिया हार जाए, बाकी तो कोई खुशी मिली नहीं इस वर्ल्ड कप में। चलिए आगे आ जाइए। अरे क्या यार, यार एक बोर्ड मार रहा है, बोर्ड चालू, आप लोग विकेट मांग रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूं पिछले 10 ओवर से चांस का सी भी नहीं बना, कुछ नहीं हो रहा। नहीं यार, एक वो आया था एज, बस उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे अपने स्लिप निकड़ाई थी, वो एलबीडब्ल्यू, एक रिचर्ड कैटरपिलर ने तो आपकी दुश्मनी निकाल ली थी, अपने प्रयास की, उसकी रीत होती भाई, मैंने करके जाना है, रीत होती है, पूरे 130,000 लोग शांत, पैट कमिंस ने जो बोला वो करके दिखा, क्यों रुला रहे हो यार, रुला दिया भाई, बचा क्या है, रन आउट रन आउट रन आउट, ना इजी नहीं आ रहे कुछ नहीं। दाऊद है बोल रहे हैं, मेन डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया चेंज्ड प्लान फ्रॉम सेमीज एंड फाइनल, इंडिया वेंट विद सेम प्लान, ऑस्ट्रेलिया टुक इंडिया सीरियसली, वर्कड ऑन देयर स्ट्रेंथ नाउ एंड, कुछ तो कर लो, सही बात है भाई, रोहित शर्मा यार फाइट तो दे लो, अब यहां पे आकर के 3 विकेट ले लो, उसके बाद ठंडे शांत एकदम भाई, वो स्टंप्स के बाहर खड़ा क्या अपील कर रहा है राहुल भाई, उसने वैसे भी आउट नहीं देना, मतलब उसका तो मन ही नहीं है, सामने जो बंदा वो कह रहा, तो मीम बना के दिखाओ अब। शोएब जट बोल रहे हैं, नॉकआउट से सारी कायनात ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी से मिलाने में लग जाती है ये, अबे हमें क्या हो जाता है, ये कप्तानी देख के बाबर की याद आ गई, पाकीज अब भी ऐसे थोड़ी सी देर को भी याद आई बाबर की कप्तानी देख के, याद से ही मैं शांत हो गया, पहले बाबर ने फेंका, जीत के जीत जाओ मैच अब यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है भाई, कुछ अलग ही दिखा, लीग से अच्छा लगी, इंडियन टीम दिखी है नंबर वन टीम अनडिफीटेड टीम, व्हाट द हेल, यहां पे क्या हो रहा है, वो भी 8 जीत के आए थे, सुपर चैट ले लीजिए, बैक टू बैक जीत रहा है, टीवी तोड़ने वाले हैं, 130k पीपल गोना क्राई, टीवी इंडियन तोड़ने वाले, मोदी जी आ गए, जी मोदी जी, मोदी जी आ गए, हां मोदी जी तो आ गए भाई, मैं सही में बता रहा हूं, वो भी ब्लू कोट डाल के आए थे आज, जब ये किसी से आई नहीं रही तो ये दोनों डाल दे पहले, आज आपको छठे बॉलर की कमी खल गई, बैटिंग में पांड्या की कमी, बॉलिंग में पांड्या की कमी लगता है, बैटिंग हो नहीं पाई, बैटिंग से आ रहे हो, राहुल वहां पे खेले जा रहा है, 7 बॉलों में एक चौका मार रहा है, अगर मजाक थोड़ी चल रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया है भाई, वो कोई ऐसे आलतू फालतू इंग्लैंड फिंगलैंड नहीं आई, पाकिस्तान टाइप टीम वैसे साइडी टीम नहीं है वो, 107 बॉल, उनको पता है कि हमारा एक चांस जब आ गए तो जीत गए भाई, मेरा एक चौका लगाया 107 बॉलों में, भाई हम ही करप्ट है ताहिर भाई, एम्बैरेसिंग बाय इंडिया करप्ट, बीसीसीआई करप्ट है, आपके वहां पे जन्नत में दूध के स्टॉल है सबके, है ना, सारे प्लेयर तुम्हारे फिक्सिंग में पकड़े जाएं, करप्ट हम हैं, फाइनल खेल रहे, सारे प्लेयर आज तक तुम्हारे वसीम अकरम इंटरव्यू दे तो बोले कि मुझे वहां पे फिक्सिंग में बोलते हैं, अभी फिक्सर बोलते हैं, लेकिन करप्ट हम हैं, मोहम्मद आमिर वगैरह प्रॉपर जेल काट के आ जाएं, लेकिन फिक्स हम करप्ट हम हैं, सारी दुनिया में बस देखो तुम्हारी टीम तो कुछ नहीं कर पाई, हम फाइनल तो खेल रहे कम से कम, रोते रहो, तुम्हारी खुशियां बस यही में है कि इंडिया हार जाए फाइनल, तो ठीक है भाई आप खुश रहो, लूजर एटीट्यूड रखो, आगे आ जाइए, थैंक यू फॉर सुपर चैट, पढ़ो भाई पढ़ो,
हिम्मत ही नहीं बची। आई एम केवल बोल रहा है इंडिया प्लेड वेल इन टूर्नामेंट, बट सुशांत भाई अगर कोई हरा सकता था तो ऑस्ट्रेलिया थी। एक्सपीरियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर, मैं देखो कितने दिन पहले से बोल रहा हूं मुझे एक ही टीम का डर है, ऑस्ट्रेलिया। और मुझे टूर्नामेंट से पहले मैंने बोला था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल, मुझे एक ही टीम से डर लगता है, ऑस्ट्रेलिया। नहीं यार ये बड़ी तेज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ना मुझे अपनी टीम से डर लगता है। वही आपको अपने आप से, इन्होंने हमारी टीम आप खुद हार, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। मैं गुस्सा नहीं, लेकिन आज के पोस्ट मैच में ना जो हमने गलतियां करी है ना, वो सारी की सारी आपके सामने प्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा। हम जिस भरोसे पे चल रहे थे, जो टीम सिलेक्शन हुई, जो हमें डर था, वही आज के दिन पे प्रूव हो गया। बट ये नहीं यार, ये देखने के लिए थोड़ी बैठे थे, उम्मीदें थी भाई, आगे आ जाइए, भी चीजें होनी थी। नहीं यार, को तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि आप मरने वाले हो फाइनल में, ये तो कल से परसों से बोल रहे हैं। मेरे को नहीं था, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था, इतना मर्जी लड़ा हूं इमाम से, लेकिन इमाम की बात सच हो गई ना भाई, बात तो सच है, बात सच है, उसने बात सच करी थी तो बात सच हो गई, खत्म बात। एंड इमाम को बहुत अप्रिसिएशन है यहां पर कि इमाम ने जो जो पॉइंट बोले उसी पॉइंट पे आके हारे हैं। ऋत्विका की बैटिंग वही फ्लॉप, नॉट केएल बट स्काई इज टू बी ब्लेम्ड, हॉरिबल वर्ल्ड कप सभी भाई भाई देखो इमाम की जो बातें, इफ यू विन एज अ टीम यू लूज एज अ टीम, गलती पूरी टीम की है, पूरी टीम। मैं तो बोल रहा हूं कप्तान से शुरू करो, जो आप कप्तान से शुरू करो, शुभमन से शुरू करो, विराट पे आओ, आप केएल पे आओ, आप श्रेयस अय्यर पे आओ, सब पे सब पे सब पे, आप उसके बाद नीचे आ जाओ, सूर्य कुमार यादव पे आओ, एवरीबडी इज टू बी ब्लेम। इसमें बॉलर्स की थोड़ी ना गलती है, 240 दोगे तो बॉलर्स कब तक जिता देंगे भाई, बिल्कुल मैच तो तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब यही पे आप पीछे हो रहे थे ना, रोज ही है अभी आप यही पे पीछे हो रहे थे, ये जो 176 पे पहुंच गए हम 165 पे थे। मैं बताऊं कसम से, दो विकेट जल्दी ले लो मैच फंस जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, मैच फंस जाएगा, दैट्स इट। दो विकेट जल्दी ले लो, हमारे सारे प्लेयर पागल हो जाएंगे, पागलों की तरह पीछे पड़ जाएंगे, इनके बस विकेट नहीं मिल पा रही, इसीलिए हमारे अगर अगले लॉस्ट घूम रहे हैं, एक कोई दो विकेट ले ले बस। अगर सुशांत भी अगले 17 रन में विकेट ना आई और 50 से नीचे काम पहुंच गया तो 99 कर दो अब विनिंग प्रेडिक्शंस। कुलदीप भाई तू ही ले ले यार, कैच नहीं नहीं है, चौका खत्म है यार, वो भाग भी नहीं रहा, उम्मीद है नहीं उम्मीद यार, अभी खत्म, वो सेट हो चुका है, उसको समझ आ चुका है, पिच खत्म, सेंचुरी पे आ गया सर, 98 वो खत्म हो गई उसके लिए, 93 पे है। मैं जब ये चीज पूछ रहा था नितिन भाई और पांडे जी से कल बैटिंग को लेकर, हालांकि बैटिंग ही मैं कहूंगा इसमें ज्यादा जिम्मेदार है रन की वजह से, मैंने ये चीज कही थी कि रोहित और विराट के अलावा क्या आपको किसी पे भरोसा है कि वो मैच जितवा देगा, इन्होंने बोला था हाँ केएल और श्रेयस पे है। यार ये बातें पोस्ट मैच पे करते हैं, सॉरी यार भाई। ये देखो ये प्लेयर पहले नहीं था वर्ल्ड कप में, ये आया था बीच वर्ल्ड टूर्नामेंट में आया था, इसे मैं वन साइडेड जीत ही बोलूंगा, इसे वन साइडेड जीत ही बोलूंगा। चारों नहीं आते माइक लगे रहने दीजिए आप, ये वाले से बैठ जाइए, वन साइडेड सुपर चैट दिखा देना यार, वन साइडेड ही है भाई, वन साइडेड टीम हार रही हमारी, वन साइडेड जीता है वो 99 पे पहुंच गया भाई, उसने 100 बना 100 हो गया उसका 99, 241 में कोई खिलाड़ी से आप 100 बनवा दो मैच खत्म है, आपने सबसे बड़ा जुर्म किया भाई, यही आपको चाहिए था, विराट यही 100 मारता तो आप जीत जाते, और पिछले मैचेस में यही हो रहा था कि विराट 100 मार रहा था 100 बॉलों पे, इसने भी आज कोई ज्यादा 120-30 की स्ट्राइक रेट से नहीं मारा, 100 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ज्यादा। सुपर चैट पढ़ लो यार, पवन करोटे बोल रहे हैं इफ दिस इंडियन टीम डजंट विन द आईसीसी टाइटल देन यू हैव टू बिलीव दैट इट विल बी अ वेट फॉर एट लीस्ट नेक्स्ट 4 टू 5 डेकेड्स पैथेटिक बैटिंग ऑफ द डेकेड कर रहे हैं, पर ये टीम यार हार जाती है ना यार, इसके बाद एक बात तो है मुझे नहीं लगता इंडियन फैंस को अब भरोसा नहीं रहेगा कभी, अब क्या ही रहेगा यार, यार क्योंकि आउट बहुत, क्योंकि नितिन ऐसी टीम जिसने सेमीफाइनल तक सेंचुरी, भाई मानना पड़ेगा भाई, वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ट्रैविस हेड सेंचुरी, जो आदमी पहले था भी नहीं अवेलेबल, और इसीलिए बोलता हूं ना यार ऑस्ट्रेलियंस सुशांत भाई ये मजाक करने आते हैं, ये जीतने आते हैं, तुम्हारा मजाक करने, इनका पता नहीं होता कौन सा बंदा चल जाएगा भाई, डब्ल्यूटीसी फाइनल ट्रेविस हेडी आपको चला के देखे गया था, सेमीफाइनल में ये चला, आज ये चल गया, कभी पता नहीं था मैक्सवेल मैच कर देगा, कभी ऋत्विका बोल रही है ऑस्ट्रेलिया स्टेल इज नॉट लाइक अस वी हैव लॉस्ट, हां आई हैव तो यार ऑब्वियसली वी लॉस्ट, अच्छा पर क्या हो जाए, आज तो ऑस्ट्रेलिया विजेशन बनेगा,
मेलबर्न में मनेंगे दिवाली। नुमा टिबेट बोल रहे हैं, ऑनेस्टली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इंडिया टू रीच फाइनल, आई एम हैप्पी वी रीच फाइनल, बट आई प्रेडिक्टेड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एंड ऑसी विनिंग द ट्रॉफी। सेम भाई, मेरी भी सेम प्रेडिक्शन थी। सबकी बैटरी डाउन हो गई भाई, सब खत्म है। किसी से बोल रहे हैं आशीष भैया, डर तो दर्द तो बहुत है, बट दिस टाइम आवर टीम नीड्स आवर सपोर्ट, नॉट टू मच क्रिटिसिज्म। हार्ट ब्रोकन बट सीरियसली बहुत ज्यादा भाई, 10 साल से आप फाइनल आके हार रहे हो, हर बार तो आप यही हारते हो। गुस्सा नहीं है इस टीम पे भाई, बट नाराजगी तो जायज है, गुस्सा भी थोड़ा जायज। प्लीज यार, भरोसा नहीं है भाई, अब सेमीफाइनल फाइनल में ही हारते हो आप हर बार। इसीलिए तो मैं आपको कहता था पिछले 2 महीने से आप लोग मुझे मनहूसियत कहते थे ना, यही मुझे डर होता था। ऐसी आप जीते ऐसे हो हार जाओगे, भी ना जीत पाओ अपने घर में, ये खुद से हार जाते हैं अपने मेंटल पे। नंबर 1 से 11 आपका हर एक बंदा चल रहा था, हर एक। अब तो 50-56 इन्होंने आपको असली रियलिटी चेक दिया, आपका असली रियलिटी। इन्होंने आज इन्होंने आपको बताया है कि चैंपियन ये होता है। 2011 भी याद करोगे ना अगर, तो हम कोई हलवे में नहीं, 6-6 हो गया। अब तो इसने 5 ओवर में ठक 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 खत्म करना है, मार के हालत खराब कर दी इस आदमी ने आज। मैंने ट्वीट करा है, बाउ डाउन टू ट्रैविस हेड, मार मार के हालत खराब कर दी। और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, जो टीम चढ़ के खेलेगी ना वही जीतेगी, जो अग्रेसिव खेलेगी वही लाइन लेंथ बुलाएगी। और राहुल अगर आप वहां पे बॉलर्स को सेट होने दोगे तो जडेजा और कुलदीप भी आपको खा जाते हैं। इन्होंने सेट ही नहीं होने दिया, तो देख पहले इसने कुलदीप को छक्का मारा, सेम पॉइंट पे इसने भी जडेजा को छक्का मारा। जो बॉलर आ रहा अटैक कर रहे हैं, सिराज आया उसको मारा, शमी को मारा छक्का इसने, किसको नहीं मारा, सभी को, शमी को उसने मिसमार से छक्का मारा। सारे बंदे अटैक करके खेले हैं, रुके ही नहीं है आप यार। इन्होंने आपको ह्यूमिलिएट करके हराया भाई, आप इस कोई क्लोज भी है ये मैच? नहीं, दूर मैच क्लोज भी है, एक तरफा दूर तक, एक तरफा मैच है, एक तरफा हाथ में, इट इज नॉट इवन क्लोज। सो एक और वर्ल्ड कप गया भाई, बर्बाद करवा दिया हमको। वो तो कह रहा खत्म करो मैं 10-2 ओवर में जैसे खेल रहा था। राहुल ने मरवा दिया आपको भाई, 107 बॉलों पे पता नहीं क्या खेल रहा था वो। राहुल ने तो मरवा दिया, एक चौका लगाओगे 107 बॉलों पे। एक्स्ट्रास आपने दिए भाई, फील्ड पोजीशन आपकी नहीं सही थी। अब तो आराम आराम से खेलेगा ये, ही जस्ट टॉयिंग विद। यार इन्होंने आपको फाइनल में दिखाया है कि बेटा फाइनल ऐसा खेला जाता है और चैंपियनशिप ऐसे नहीं जीती जाती मजाक में। यार 2017 फाइनल आपने मिस कर दिया, वो आपको जीतना चाहिए था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जीत गए। 2023 फाइनल आपने आज मिस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको जीतना चाहिए था, आपकी टीम बेटर है अभी भी बोलूंगा, फिर भी आप हार गए। क्यों आप हार गए? क्योंकि आप चोकर हो, ये बिगर चोकर था इन प्लेयर्स के साथ आप नहीं जीत पाए पिछले 10 साल में, ये आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये सीधी बात है। ये प्लेयर्स नहीं जीते, आप जो मर्जी बोल लो, बहुत बड़े नाम है, सबका बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है, लेकिन ये आपको टाइटल नहीं जिता पाए, दैट इज द फैक्ट। Whatever you can say, we have to back our players. We love our players. Yes, we love our players. Yes, they have played very well. They have played amazing. But they can't win a tournament. I am sorry. Asia Cup ko main koi badi uplabdhi nahi manta. Puri duniya mein sabse bada board aap ho. Puri duniya mein sabse zyada paise aapko milte hain. Sari facility aapko milti hai. Sabse zyada depth Indian cricket mein hai. And you need to. And you need to. Har jagah pe aap sabse aage ho. Sari facilities aapke paas hain. आप वर्ल्ड क्रिकेट के मॉनिटर आप बने हुए हो, आप ही हो ना मॉनिटर, और आप वर्ल्ड कप वर्ल्ड क्रिकेट को आप ही चला रहे हो ना, आप डिसीजन लेते हो पाकिस्तान की में नहीं होगा तो नहीं होता ना टूर्नामेंट, हाइब्रिड मॉडल करवाते हो, 2 मैच देते हो उनको, आप बोलते हो पाकिस्तान यहां आएगी तो आएगी, आप बोलोगे चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी पाकिस्तान में तो नहीं, सारे तो आपकी तरफ से हो रहा ना चीजें, आपके प्लेयर सबसे बड़े प्लेयर्स, आपकी लीग आईपीएल सबसे बड़ी लीग, आपके घर में टूर्नामेंट हो रहा है, हर जगह पे आप खेल रहे हो, 10 में से 10 आप जीते हुए, फाइनल में आके आप फाइट भी नहीं दे रहे हो, आपका हाईएस्ट रन स्कोरर विकेट टेकर आपका। अगर अगर जब मैं बोलता हूं फिर लोगों को बुरा लगता है, खेल नहीं आप देखो, केएल राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने कभी उसको यह नहीं बोला कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, मेरी हमेशा उससे एक ही शिकायत है भाई तू प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, जब वाकई पॉइंट आता है जिताने का तो वो बंदा हमेशा चोक करता है,
आज कोहली के साथ खेल रहा था ना, 50 की साइकिल पे खेल रहा था ना, आज आता कोहली के साथ 3 छक्के लगाता निकल के कि कोहली खड़ा हुआ कोई बात नहीं तू विकेट मत दियो मैं रिस्क लेता हूं, तो अपनी विकेट बचाई जा रहा है। अबे खेल उसके साथ जैसे श्रेयस अय्यर खेला था भाई, मार पूरे टूर्नामेंट में, मार रहा है रन आज, मार आज वड़वा के 107 पे एक बधा के जहन्नम की लानत अपनी शक्ल पे लेके निकल गया। और फिर तू देख प्रेशर हैंडल, और क्या सबूत है कि प्रेशर हैंडल नहीं होता, आज कीपिंग देखिए उसकी, छोड़े पूरे टूर्नामेंट में कीपिंग देख लो और आज देख लो केएल राहुल को, आज प्रेशर बड़ा कर। अब लोग बोलते हैं केएल राहुल को हेट मत भेजा करो, भाई जब ऐसा परफॉर्म करेगा वो 31 साल का यंगस्टर, अभी तक उसको बैक कर करके जो इंजर भी है फिर भी राहुल द्रविड़ खिलाया जा रहा है, अभी भी तुम बैक करते रहते हो भाई। मैं इस रिजल्ट को कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मानता, अगर आप फाइनल खेल गए हो सॉरी, आप कैसे खेले हो फाइनल सॉरी, और आपने फाइनल में फाइट भी नहीं दी, आप बुजदिली से, प्रॉब्लम यही है ना, आप अभी तक बेखौफ होके खेल रहे हो, वही तो आज ऑस्ट्रेलिया ने आपको पकड़ा, कितना बड़ा बदमाश है भाई तू, देखता हूं मैं तुझे, आजा पकड़ा ना उसने, आज दिखा कितनी बदमाशी करता है, आजा टांगे कांपनी शुरू हो गई आपकी। और मेरे हिसाब से दो ही शेर आपके नजर आते हैं, एक तो रोहित शर्मा, अब सही बात है मैं सेल्फलेस बोले कि सुसाइडल बोले उसको, कि रोहित शर्मा तो ऐसा है कि भैया वो कफन बांध के सर पे आ गए हैं कि नहीं जी मैं तो मारूंगा या जाऊंगा, मैड मैक्स तो वो बने हुए हैं, तो एक रोहित शर्मा शेर, दूसरा विराट कोहली, जब विराट कोहली आउट हुआ मुझे पता था मैच खत्म हो चुका है, पहले भी ये बोल रहा था रोहित शर्मा मारता 40, लेकिन उसको पता है विराट पड़ा है वो 100 मारेगा, 711 रन मार दिए विराट ने, आज भी 50 आ गया, 750 प्लस रन मार दिए विराट कोहली ने, तुम अगर अभी भी नहीं जीत सकते तो बेड़ा गर्क हो फिर तुम्हारा, क्या करोगे फिर तुम, 750 रन मार दिए उसने, 8th सेंचुरी फॉर ऑस्ट्रेलिया, अबे 750 रन मार दिए भाई, अब क्या करेगा वो 750 रन, एक तो एक वर्ल्ड कप में आराम से खेल रहा हो, छोड़ो यार, छोड़ो यार वो आउट होता है तुम्हारे बस की नहीं होती, केएल राहुल का बोझ लेके चल रहे हो अभी तक, अपने मतलब के प्लेयर खिलाते रहते हो, फिर मैं बोलता हूं सूर्य कुमार यादव इस मुंबई इंडियंस कोटा तो लोगों को बुरा लग जाता है, एक बॉल तो उससे कनेक्ट नहीं हुई, एक बॉल पूरे वर्ल्ड कप लेवल के बॉलर आते हैं तो फूक निकल जाती है भाई की, T20 में कौन सा चल गया था सूर्य कुमार यादव, T20 का तो नंबर वन प्लेयर है वर्ल्ड कप में, क्या कर लिया था वर्ल्ड कप में जब सेमीफाइनल में मारने थे रन, क्या कर लिया था, अब आप लोग बोलेंगे इतना हार्श रहो फाइनल खेलो, खेलते रहो फाइनल, तुमने अगर फाइनल में आके यही करना तो भाई फाइनल देखेंगे नहीं, फिर फाइनल से रनर सबसे खुश हो जाते हैं, हमारी टीम रनर अप जोगी है उसके आगे उम्मीद मत रखना इनसे, आप लोग पांचवा फाइनल खेल रहे हो, आप एक बात बताओ ना, आप जब मैं बोल रहा हूँ आप सबसे बड़े हेडमास्टर, दुनिया के सबसे बड़े खलीफा क्रिकेट के, सारा बोर्ड आपका पावरफुल, आपके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, आपके बिना ईसीबी कुछ नहीं कर सकता, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड नहीं कुछ कर सकता, पाकिस्तान श्रीलंका बिचारों की तो औकात ही क्या आपके सामने, सच बात है ना, डेप्थ सबसे ज्यादा आपकी क्रिकेट के अंदर है, सारे लड़के आपको अपने मतलब के मिले हैं, 1.4 बिलियन ड्रीम्स, आप ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में जाते हो सेमीफाइनल में आपसे एक विकेट आउट नहीं होती, यहां पे सेमीफाइनल में आप न्यूजीलैंड से चलो भाई आपने 400 रन मार लिए, रोहित शर्मा की कप्तानी बड़ी अच्छी लग रही है, यहां पे आके 240 में आपकी हालत खराब हो गई, फिर केएल राहुल को थोड़ा सा प्रेशर पड़े उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, उसे बस बना के खत्म कर भाई, अब नहीं देखा जाता है, खत्म कर बना, विराट कोहली कर दे तो कर दे वरना तुम्हारे बस की नहीं है किसी के भी, सारे यहां पे स्टाइल हाई फाई रील्स बनवा लो इनसे भाई, जब मारने की बारी आती है जिस दिन पे डिलीवर करना है उस दिन करो ना, चलो यार अच्छा गया वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया तुम्हें फोड़ फाड़ के निकल गया, खेला उनसे जा नहीं रहा था, ये वो तो सही बोल रहा था पैट कमिंस के, उस दिन अगर विराट की कैच हो जाती तुम तो वो मैच भी हार जाते, चलो बाकी पोस्ट मैच में काम है, हम पोस्ट है, हम ये है कंपोज्ड है, पता नहीं क्या है हम, मजाक
खुला दावा था भाई। सूर्य कुमार यादव जब मैं बोलता हूँ मुंबई कोटा से लिया, मैं बुरा बोला था मैंने, क्या किया उसने वर्ल्ड कप में, कौन सा वनडे का प्लेयर है वो, 36 में एक बॉल नहीं टच हुई, 36 में से 3 ओवर डलवाए, 14 डॉट बॉल खेली है आपके, नंबर 1 T20 प्लेयर, साथ में सोने पे सुहागा, आंखों का तारा फिर रहा मारा मारा केएल राहुल, उसके बाद मुंबई के बदमाश श्रेयस अय्यर यू भाई मसाज करवा ले बैठ के पहले। इजी हर बड़े टूर्नामेंट में हर बात सही हो गई, जब जीतने की बारी आती है आप इतनी बुरी तरह हारते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल वन साइडेड, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल वन साइडेड, उससे पहले देख लो आप, उसके पहले तो T20 19 वाला तो चलो ठीक है, 19 वाला आपने एंड में थोड़ा, हालांकि वो भी आर्टिफिशियली था, मैच पहले ही खत्म हो गया था, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, ये तो ये नॉकआउट रिपीट हुए 2014 का भाई मेरे, आप ये युवराज ने स्लोनो खेली थी, आप ये समझ लो कि आज तक के जितने भी आपने बड़े मैच खेले इन प्लेयर्स ने पिछले 10 साल में विद धोनी ऑल्सो, जब धोनी 2015 के बाद कप्तान नहीं थे, 2013 से 2023 हो गया, आप चोक ही करते आए हो जी, आपने कभी फाइट नहीं दिखाई भाई, लड़ झगड़ के 19 का फाइनल देखा था, कभी बोलिंग चोक बैटिंग चोक, 19 का फाइनल इंग्लैंड न्यूजीलैंड में हुआ, सुपर ओवर तक चला गया मैच, कोई नहीं छोड़ रही टीम, यहां तो पता चल रहा तुमसे बैटिंग ही नहीं हुई, बोलिंग करेगी क्या बिचारी यहां पे, चलो पकड़ पकड़ के छक्के मार रहा है, फेंटा लगा रहा फेंटा, खत्म ट्रैविस हेड श्रीलंका नहीं है, 1,30,00,000 लोगों को तो ऐसे खत्म कर रहा है, 130 करोड़, मैं कम बोल गया सॉरी, 130 करोड़, 140 है वैसे, 140 करोड़ ले लो यार, ट्रैविस हेड 10 करोड़ होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ट्रैविस हेड रिमेंबर द नेम भाई, WTC फाइनल सेमीफाइनल वर्ल्ड कप फाइनल भाई, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, सेमीफाइनल छोड़ लो यार, बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वर्ल्ड कप फाइनल सारे लगा लो इसमें, आपकी तो लंका लगा देना, बैट खत्म कर दिया भाई, इनिंग सफर लाइफ टाइम खेल गया बंदा, ट्रैविस हेड आपको ट्रैविस हेड ही नहीं फिगर आउट हो रहा भाई, खत्म करके जा रहा है, कितनी ट्रैविस हेड ही नहीं फिगर आउट हो रहा, कितनी इनिंग्स ऑफ डब्ल्यूटीसी के फाइनल में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 मार दिया, वर्ल्ड कप फाइनल में 100 मार दिया, बचा क्या, और आपको पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से कि उसकी भाई शॉर्ट बॉल कमजोरी है, एक ठिकाने पे शॉर्ट बॉल डाली, विराट वाले खुश हो जाना, धोनी वाले खुश हो जाना, रोहित वाले बोल देना इन्होंने मरवा दिया, बस यही करते रहना, इसी में करते रहो भाई, वर्ल्ड कप कोई और ले जाएगा इंडिविजुअल से, ऑब्जेक्ट आप आपस में ही कर लड़ते रहो, इनको कोई मतलब नहीं आईपीएल यूपीएल से, इनको चाहिए वर्ल्ड कप दे दो, उसकी आप देखो परफॉर्मेंस, पैट कमिंस की देखो आप परफॉर्मेंस, ट्रैविस हेड की नाम ऐड हो गया आज तो हमारे बॉलर से, तो फिर भी मैं कहता हूँ जान मारी है, बुमराह 2 विकेट ले गया, शमी भाई ले गए, स्पिनर्स को तो समझ ही नहीं आया, कुछ मिला ही नहीं इस विकेट के ऊपर, तुम पता नहीं क्या तुमसे ना वहां पे खेला जा रहा, ट्रैविस हेड 2 ओवर में 4 रन मारे, ट्रैविस हेड के मिच मार्श के 2 ओवर में 5 रन मारे हैं, पता नहीं क्या तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगा दी थी उन्होंने आके, तुम्हें बस डॉट 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 खेलना, इतना बुजदिली से खेलोगे वर्ल्ड कप फाइनल और सोचोगे कि तुम्हारे बॉलर चमत्कार कर देंगे, नो आप डिजर्व नहीं करते थे, सॉरी जितना मर्जी आपने लीग स्टेज में डोमिनेट किया हो, इवन सेमीफाइनल में आपकी हवा निकल गई थी भाई एक पॉइंट पे, अगर शमी भाई ना करते वो 400 रन पड़वा लेते तुम उस दिन, 400 रन चेज हो जाता, वहीं बाहर हो जाते अपने ग्राउंड पे, घर पे खेल के वानखड़े में छक्के मार के खुश हो गए, अहमदाबाद आए हालत खराब हो गई ना, यहाँ पे भी पाकिस्तान को हरा के खुश हो गए थे हम, और वहीं पर हार जाते बाहर हो जाते सेमीफाइनल में, इतना दुख तो नहीं लगता, नहीं पैट कमिंस की वो स्टेटमेंट ऑन पॉइंट थी जो उन्होंने बोला था ना कि कैच पकड़ लेते तो मैच चला जाता, सही में चला जाता, 190 अरे वो तो उसने पकड़ लिया था, तो अब सबकी स्टेटमेंट ऑन पॉइंट है भाई, अब बोल तो सही रहा था ना, सही बोला ना, विराट आउट है तो आपकी मैच खत्म है, बेसिकली वहां पे खड़े उतरा विराट ऐसा, आज भी हुआ, आज तो नहीं हो गया, न्यूजीलैंड वाले मैच में भी विराट 100 बना गया, श्रेयस बना गया, फिर केएल मार गया, अगर वहां पे विराट आउट हो जाता लिखवा के ले लो वो मैच, जीत जाते तुम तो सेमीफाइनल में, पता आज भी विराट ने 50 बना ले, 240 पहुंचे मरमरा के,
भाई कोई केएल राहुल तो अपने रन बना के निकल लेता है। अरे आज कहां थे अपने रन भाई, आज तो इसने सोचा होगा बाद में 100 की स्ट्राइक रेट कर दूंगा, बाद में खींच दूंगा, बाद में इसको ऑस्ट्रेलिया ने खींच दिया। इतना भी ज्यादा नहीं खेलना चाहिए भाई शेल में जाके। भाई आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक कर देना आज से, फेसबुक पे तो फेसबुक पे भी लाइक और फॉलो कर देना भाई। खत्म है ये चार पांच ओवर खत्म तो बहुत पहले से है, हम पागल हैं। अब तो बात चल रही है भाई, मैच खत्म है, ये 35 रन बनने खत्म है। यार आप हारे कैसे हो ना, ये देखो आप बैटर रह रहा है, उन्होंने 37 ओवर में 200 मार दिया, 206 आप मर मरा के 240 पहुंचे, जिसमें से बैटिंग 20-25-30 रन तो आपके टेल एंडर्स के हैं, 21 रन इन्होंने इंटेंट दिखाया, इनके जल्दी विकेट्स इनके भी आए थे बट इन्होंने हथियार नहीं डाला। आप ये देखो ट्रेविस हेड मारता रहा वहां पे, हमारे जो ग्रेट केएल राहुल कुलदीप यादव रविंद्र जडेजा को छक्के मार रहा है, तू प्योदा पत्थर क्यों नहीं मार रहा वहाँ पे इसको, क्या कहते हैं ये बैट बैट ट्रैविस हेड को नहीं मार पा रहा, ज़ैम्पा की फ्लाइट को डॉट कर रहा था इंसान, कोई पिच मुश्किल नहीं हुई, कुछ नहीं यार के बैटर ने बैटिंग दी। मैंने हमेशा बोला है इवन वनडे इंटरनेशनल में जिस जिसने बोला है ना, देखो राहुल को आप वनडे में नहीं बार कर सकते, मैं बोलता नहीं बार कर सकते, लेकिन मेरे को तब देखना है जिस दिन प्रेशर बनेगा क्या ये आदमी आपको मैच निकाल के दे पाएगा या नहीं। देख लिया ना आज, आज से ज्यादा खराब सिचुएशन तो हो नहीं सकती, आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका फ्यूचर कैप्टन है केएल राहुल, ये बता दूंगा मैं कौन सा कैप्टन है। ना 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 ना, इसे तो पास नहीं करेगा, आप मजा लोग नहीं सकते, केएल राहुल कप्तानी करेगा उसकी टीम में, आप रोक के दिखा देना, ये अप्रोच के आप रोक के दिखा देना, आईसीसी में केएल राहुल कप्तानी करेगा, आप रोक के दिखा देना, इस अप्रोच के साथ ना खुद की अप्रोच नहीं है, इसकी जगह है ना केएल की जगह है, खत्म भाई हो गया बहुत। T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन कौन, हार्दिक पांड्या वो ठीक हो, हार्दिक तो वैसे ही ठीक है, अरे वो इंजरी भरोसा नहीं है, वो इंजरी भाई इंजरी आई थी उसके साथ, यार T20 के लिए तो कुछ भी कर कर आगे हम ब्रांड बनाएंगे जी, ब्रांड बनाने के चक्कर में इंडियन क्रिकेट ही खराब हो गया, ट्रैविस बनाए ना सुशांत भाई, क्यों नहीं बना IPL, IPL बनाना ब्रांड, आपने वो बना दिया, फिर IPL ही खेल लो यार, देखो यार IPL की कहां कितनी बड़ी लीग, ओडीआई क्रिकेट है भाई, असली IPL ही खेलो, आप क्यों खेलते हो टूर्नामेंट, ये क्यों खेल रहे हो आप, ये खेलते हैं ना 140 करोड़ लोगों का दिल तोड़ने के लिए, जो मैच फाइनल में आओ हार जाओ, मैच जीतने वाले होते हैं जिस मैच में ही सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देनी होती है, एटलीस्ट कुछ तो करके दे दो हमें, कभी भी कभी आप 10 विकेट से हार जाते हो कोई भी विकेट आपको नहीं मिलती है, कभी आप हार जाते हो आपके सारे टॉप ऑर्डर आउट हो जाता है, आपसे चेज नहीं होता, 150 रनों से हार रहे हो, 3 विकेट मैं तो कह रहा हूँ ये 2 ही विकेट थे यार, इसमें तो नहीं भी मारना था भाई, अगर वो DRS ले यार ट्रैविस हेड को देखो वो भी आउट नहीं होता है यार, ज्यादा पे दो देखो, ट्रैविस हेड शुरू से लेकर अंत तक खेला है, क्या इंडियन बैटर ने रन दिखाया, ट्रैविस हेड आउट से आप जो बोलते हो कि आपके मिडिल ओवर्स में कुलदीप को देख लो जडेजा को देख लो इतनी विकेटें निकाली है वो करी, आज एक विकेट नहीं ले पाए मेरे भाई, ये चलानी थी ना तलवारें चलानी थी यूं करके, आज एक विकेट नहीं ले पाया मेरा भाई कुलदीप, रन भी नहीं बने, छक्के लगाए, विकेट भी नहीं ले पाया भाई, उधर उधर से नितिन छक्के मारे, नितिन उधर से पार्ट टाइमर्स ट्रैविस हेड ग्लेन मैक्सवेल वो किफायती रहते भाई, मार ज़ैम्पा ओवर में पांचवा विकेट, ज़ैम्पा विकेट भी लेता है और विकेट के चांस भी बनाते हैं, चांस का सीन ही बना, आप देखो दो सीन बना दुनिया का, मार्श दो ओवर में 4 रन, ये ट्रैविस हेड 4 ओवर में 9 रन बनाए आप लोगों ने, चौकर है बात खत्म हो गई, नहीं देखो सिंपल आप चौकर हो, वी आर द बिगेस्ट चौकर ऑफ क्रिकेट भाई, खत्म है आज, आज ये स्टेटमेंट क्यों है, डिफरेंस इतना है कि इन्होंने इससे अच्छी फाइट तो साउथ अफ्रीका ने दी थी, साउथ अफ्रीका ने गले पकड़े साउथ अफ्रीका वाले 212 पे उन्होंने मैच फंसाया, कहने में तो यार अब मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन वैसे आज दिखा दिए इनको कि कहां हो भाई तुम, जितने बड़े नाम हो गए दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने भाई, यहां पे भाई ऑस्ट्रेलिया ने 8 तारीख को हमारे यहाँ भी नहीं हो, नितिन ऑस्ट्रेलिया ने 8 अक्टूबर को चेन्नई में ना मजाक किया था, आज ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि भाई ये हम खेलते हैं वर्ल्ड कप, ऐसे फाइनल्स खेले जाते हैं, ऐसे नॉकआउट जीते जाते ऐसे बड़े हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया से इतना डरो उन्होंने आपको एक साल में 2 ICC के फाइनल हरा दिए हैं, WTC एक तरफा आया, ये भी एक तरफा आया, पैट कमिंस जिसको कोई कह रहे थे कहां का कप्तान है गली मोहल्ले कप्तान, उस कप्तान ने 2 ट्रॉफी आपके हाथ से निकाल दी, 2 ट्रॉफी और बॉलर कप्तान भी होता है, ट्रॉफी लेके जाऊंगा भाई, उसने बोला था कि मैं करके दिखाऊंगा, 1.5 लाख लोगों को शांत, 1.5 लाख लोगों की मैच
कल से पूरी दुनिया कह रही भाई 1988 में बॉर्न हुआ वाला बंदा वर्ल्ड कप जीतेगा, कोई कह रहा है ये होगा वो होगा भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले कहते भाई जो बैट और बॉल से खेलेगा वही होगा, बाकी क्या होगा यहाँ पर भाई। लीग स्टेज के 10 मैच जीते हुए भूल जाओ, वो 8 भी जीत के आया तो लबुशेन आउट नहीं हुआ यार आपसे, वो लबुशेन जो क्या है यार वो आउट नहीं हुआ आपसे, ट्रेविस हेड आपसे आउट नहीं है, लबुशेन आपसे आउट। आज रोहित शर्मा की कप्तानी को क्या हो गया, अकल में ताले पड़ गए भाई, एक स्लिप नहीं लगाई आपने, कोई प्लान नहीं दिखा आपका। आज तो एक ओवर विराट कोहली को दे लेते भाई, फिर 5 ही ओवर नेदरलैंड्स वाले में मजे कर रहे थे आप। नितिन साल 2003 में ना मैं सिर्फ 3 साल का था, लेकिन सारी रोटेट कर दे हम पढ़ तो नहीं पाएंगे सारी अभी, लेकिन सारी रोटेट करता रहे। साल 2003 में ना मैं 3 साल का था, लेकिन मेरे को इतना पता सुशांत भाई 2003 से ज्यादा ये हर्ट करेगा ना आपको, जिस तरह हम इस बार खेल रहे थे यार उस टूर्नामेंट में भी आप अनडिफीटेड थे, उस टूर्नामेंट में आप पहले ही मैच हार रहे थे, उसके बाद फाइनल वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, यार वही हुआ ना इस टूर्नामेंट में, तो एक्शन रिप्ले हुआ आपके लिए भाई, सारे एक्शन रिप्ले सब जीत रहे थे भाई आप, सारी प्रेडिक्शन का बदला लेने की, सारे कुदरत के निजाम, सारे तारे बनाए थे भाई, कुदरत का निजाम बड़े नाम भाई, ये मैंने बोल रहे हैं, मैंने बोल दिया ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग हाकी थी ना, आज के बाद भरोसा नहीं है मुझे लोगों के ऊपर से, भरोसा उठ चुका है भरोसा, देखने का मन नहीं करेगा आज के बाद, देखने का कौन है पूछने का ही मन नहीं करेगा, वो तो ये है कि हम कवर करते हैं ये प्रोफेशन हमारा, इन्हें देखना पड़ रहा है, वरना आज के बाद देखे भी ना लोग, नितिन भरोसा ऑस्ट्रेलिया ने आपको क्यों चुका है यार, ऑस्ट्रेलिया ने आपको बताया अपना 12-12 घंटे बोले जा रहे, बैठे जा रहे, रुके जा रहे, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया लोगों ने, ये बस देखने के लिए, ये बेइज्जती कराने के लिए देख रहे हैं क्या भाई, स्लो पिच थी यार, स्लो पिच बनाने का प्लान, अबे पूरी गांव की पिच से नहीं हुई पूरा वर्ल्ड कप, आपने अपने जूतों के नीचे रखा है, पिच हमारे हिसाब से बनेगी, विकेट हमारे हिसाब से बनेगी, ये हमारे हिसाब से होगा, वो हमारे हिसाब से होगा, आप फाइनल नहीं जीते, फाइनल नहीं हुआ जो बैटर बॉल था, आपके हिसाब से कुछ नहीं, आपसे खेला नहीं जाता, आपसे प्रेशर नहीं लिया जाता, नहीं आपकी टीम मान लिया भाई, आपकी टीम अभी भी इनसे अच्छी है, लेकिन आप में अगर जिगरा ही नहीं है तो आप कभी भी कुछ नहीं जीत सकते, आपकी यहां पर आकर अग्रेसिव क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा, अंधाधुन नहीं भाई, ट्रैविस हेड रोहित शर्मा की तरह अंधाधुन नहीं खेला, कैलकुलेटेड रिस्क लेके छक्के मारे हैं, उसने ये नहीं करा कि मैं एक ही ओवर में 4-5 छक्के मार दूं किसी को, वो एक छक्का मारा कुलदीप को, एक छक्का मारा जडेजा को, फिर बीच में सिंगल डबल 100 करके गया ना, सही बात है, तुम्हारा कप्तान 10 ओवर में 80 रन, मैच तूने निकाल लिया, तू आउट होके चला गया भाई, क्या आओ जी तुम सब कर लो, मैं तो ऐसे ही खेलूंगा, ये यू या यू कर दिया, तो इस अप्रोच से तो आप मैच नहीं जीत सकते। उसके बाद विराट कोहली आया है, विराट कोहली भी 10 बार यही इनसाइड एज पे आउट हो चुके, चलो 50 रन हर बार तो नहीं बचाएंगे, बट साथ में श्रेयस अय्यर, मेरे को ज्यादा उम्मीदें तो उनसे नहीं थी, खैर सेमीफाइनल में 100 आया था, कोई बात नहीं, आज आउट भी हो सकते हैं। के एल राहुल मेरा भाई, ये हाइनेकन की अभी आई थी कि मैंने 5 पता नहीं एनालिसिस देख लिए, उन एनालिसिस वालों के ना मुंह पे जूता मार जाके, समझा, हमें मत सिखाओ कि केएल राहुल की अच्छी इनिंग थी आज, हम पागल नहीं है यहाँ पे, उसी टाइम बता दिया था कि मैच हार रहे हैं, और भाई उसी वही वैसी इनिंग आपके बाकी भी खेल रहे हैं, केएल राहुल जो खेला है ना आज, एक चीज होती है कि आप इंटेंट दिखाते हो, वो बंदा एंड तक इंटेंट ही नहीं दिखाया उसने, मैं जो आपको समझा रहा हूं, विराट कोहली अगर दूसरे एंड पे खेला है तो भाई तू क्यों 50 की स्ट्राइक रेट से, तू उसके जूनियर है, तू तो एक्सप्रेस कर अपने आप को, एक ओवर ले ले, दो ओवर ले ले भाई, तू ऑलमोस्ट 20 ओवर खेल गया यार, कब मारेगा बाकी भी, और अगर केएल राहुल अटैक कर देता कैलकुलेटेड, कोई आउट नहीं कर पाता उसको, वो अकेला मैच जिता देता, लेकिन उसमें टेम्परामेंट ही नहीं है, और केएल राहुल की अगर आप बैटिंग भी छोड़ दो, अगर आपको बड़ा अच्छी लग रही है ना बैटिंग के पीछे डिफिकल्टी, अच्छी बैटिंग, कीपिंग देख लो, कीपिंग देख उसका भाई कि क्या कितने छोड़े हैं, कीपिंग से पता चलेगा कितना नर्वस आदमी, कितना 240 में कितना छोड़ गया भाई, बांग्लादेश में इसने कैच छोड़ी थी ना पहले मैच में, उधर से ही पता चल गया था कि ये सबसे बड़ा चोकर हमारी टीम में केएल राहुल है, मैच फिनिश कर ही नहीं सकता, कभी भी इसके ऊपर मैच आ जाए, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, ये बंदा आपको मैच या टूर्नामेंट जिता ही नहीं सकता, he's just a little child, he's a very good player, he has all the shots in the book, lekin wo tumhe tournament jita ke nahi de sakta, usme jigra hi nahi hai, main hazar baar bol chuka hu ye baat,
हजार बार बोली है मैंने ये बात, टीम वाले पहले भी बोली है एंड मैंने भी बोला भाई केएल राहुल ने मेरा ट्रस्ट अर्न किया इसमें आने से पहले, बहुत बढ़िया खेल रहा था, आज अलग ही केएल राहुल दिखा है भाई, हद्दी हो गई यार, 107 बॉलों में 66 मार रहा है, भरोसा, एक चौका मार हो गया आप 107 बॉलों में, ये पहले से डिसाइड कर लेता कि मैं ब्लॉक ही करूंगा तभी आउट होता है, ये पहले से डिसाइड कर ले कि मैं मारूंगा तो मारेगा ही भाई, फिर वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन मैच विनिंग प्लेयर, टूर्नामेंट विनिंग प्लेयर नहीं है केएल राहुल, ये बात याद रख लेना, T20 में ये ड्रॉप हुआ, दो वर्ल्ड कप खराब कर दिया आपके, T20 वर्ल्ड कप और ये अब वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप भी खराब कर दिया केएल राहुल ने, भाई केएल राहुल को आपने ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया केएल राहुल के लिए वनडे में, ऋषभ पंत वो आदमी है इंग्लैंड में लास्ट वनडे जिता के आया था, वो 100 मारने के बाद घर आ गया था वापस, वो इतनी बेइज्जती करी आपने उसकी, देखो अपनी कर्मों की सजा तो मिलती है, पर्चियां जहां जहां चलाओगे एंड में एक्सपोज होगी होगी, बहुत अच्छा प्लेयर है मान लिया लेकिन जिगरे वाला प्लेयर चाहिए टूर्नामेंट जिताने के लिए यार, मैक्सवेल को जो जिगरा ऋषभ पंत में है ना, तुमने T20 से ड्रॉप कर दिया, बड़े लोग बोलते हैं भैया T20 चलो भाई बांध लिया T20 में उसके नहीं है, वनडे में उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने केएल को कीपर बनाया उसको ड्रॉप करके बाहर कर दिया, आज खामियाजा भुगता है तुमने फाइनल में जाके, पूरे टूर्नामेंट में तुम्हारे बुरा नहीं पड़ा तुम्हें, आज फाइनल में पड़ा, ना उससे कीपिंग हुई ना उससे बैटिंग हुई, वो बस घबरा घबरा के टुक 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 करके अपने आप को बचा के फॉर्मेलिटी, अबे बुरी तरह मारा है यार, बुरी तरह ने भी 100 बॉल ले लिए भाई, इन्होंने ने उसकी मैच विनिंग नॉक, उसने भी खेली बहुत सारी, फॉर्म में हेड में भी कम है उसकी भाई, लेकिन फर्क इतना है कि वो मैच जिता के जा रहा है, नहीं नहीं मैं लबुशेन से क्यों कंपेयर करूं उसको, मैं तो उसको कंपेयर करूंगा इससे ना ट्रैविस हेड, ट्रैविस हेड को देखो भाई, ट्रैविस हेड वहां पे खड़ा हुआ है शुरू से मार रहा है, एंड तक खड़ा कोई कम है उससे, अच्छा ट्रैविस हेड भी तो 100 के आसपास की स्ट्राइक रेट से खेला है, पूरे टूर्नामेंट में निकाल लो केएल राहुल की स्ट्राइक रेट क्या थी, निकाल लियो रॉबिन इससे पहले उसकी क्या स्ट्राइक रेट थी और आज क्या स्ट्राइक रेट है, अरे लबुशेन को तो टारगेट पता था, वो तो उस हिसाब से खेला है, तुमने तो हमें मरवाने में कोई, जब तेरे साथ विराट कोहली खड़ा हुआ है भाई तू मारना, तू क्यों अपनी विकेट बचा रहा है, तू कहां 50 की स्ट्राइक रेट में खेल रहा है, तेरे से सिंगल नहीं निकलता, सूर्य कुमार यादव द ग्रेट वनडे प्लेयर, एक पर्ची थोड़ी ना यहाँ पे वो लोग टाइम पास कर रहे हैं, तीन पर्ची हैं, नहीं पता है पर्ची और ची ठीक है, लेकिन आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा किया, आज आप कहां पर फंसे हो, आपने घबरा गए, विकेट चले गए, आपको लगा कि छोटा कर ले नीचे कर दे, दो सबसे बड़े प्लेयर जो हमारे उनके ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि रोहित नहीं है विराट नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हाथ पैर फूलने लगे आप घबरा गए, बस आप वहीं पे फंस गए, इनके भी तो विकेट गए, इन्होंने तो बैटिंग करने आया था, और ट्रैविस हेड ने जो बैटिंग की है, ट्रैविस हेड ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में था, 47-3 हो गई थी ऑस्ट्रेलिया, आपके दो विकेट 80 के बाद गिरे थे, बाय द वे आप 110 अराउंड 100 से ऊपर आप बाहर निकल गए, आप तब जाके केएल राहुल बैटिंग करने आया था, इसमें आप घबरा गए, आपसे नहीं हुआ वो नहीं घबराया, ये ज्यादा प्रेशर सिचुएशन में आकर इसने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, बाय द वे उनको कॉन्फिडेंस था, आप बैटिंग की बात कर रहे हो तो अप्रोच आप मारे हो अपने अप्रोच की वजह से, बातों की बात सब खत्म हो जाए तो यही नहीं समझ लग रहा है भाई, अगर ये टीम हार सकती है, सही बात है, अगर ये टीम हार सकती है तो भाई क्या नहीं नहीं ये जीते अब इससे भी इन्होंने सुशांत यार आप इससे क्या कर रहे हो इनका, मैंने बड़े लोगों ने मुझे पूछा सुशांत भाई 2011 की टीम बेटर, 1983 वर्ल्ड कप टीम बेटर, 2003 ऑस्ट्रेलिया टीम बेटर या ये टीम बेटर, मैंने बोला बेटा पहले वर्ल्ड कप खत्म होने दो, सही बात, अगर ये जीतेंगे ना तब बताऊंगा कौन बेटर, बहुत अच्छी टीम है, सही बात, जीत के दिखाओ, ये पिछले 10 साल से कुछ नहीं जीते, हमारा फील्डर है ही नहीं, आप तो खत्म, आप लास्ट जीते कब थे, आप लास्ट जीते कब थे, धोनी ही खत्म हो गया था, धोनी के जाने के बाद आप कुछ नहीं जीते, जीते हो क्या, कुछ नहीं जीते, एशिया कप कहां जीते, कुछ नहीं जीते, एशिया कप में आप ऐसे भी डोमिनेट करते हो भाई, जितने भी लोग हैं लाइक कर देना भाई, आज पूरा मैच आपके साथ देखा, पूरे वर्ल्ड कप की कवरेज लाए, आगे भी कवरेज लाते रहेंगे, हमारा तो काम है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक करो तो फॉलो कर देना, सुशांत भाई रुक जाओ 5 थोड़े तो और खत्म है यार, वर्ल्ड कप खत्म है, क्या इसको ब्रेक करके दोबारा वापस आएंगे, उसके बाद पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन आई थिंक शेमफुल परफॉर्मेंस बाय इंडिया, आप अगर 10 रन 7 विकेट से आप हार रहे हो, या मतलब जितना कितना 10 ओवर पहले ऑलमोस्ट हार रहे हो, इजी चेज
विकेट नहीं निकला है ना, रन बने एक विकेट जो स्टीव स्मिथ का भी आया वो भी नॉट आउट था। आप बैटिंग की बात कर रहे थे, रोहित विराट, मैं तो कह रहा हूँ कि शमी और बुमराह के बिना कोई विकेट नहीं लेता। तीसरी चौथी बार हो गया कि बड़ा मैच आता है आपसे एक विकेट नहीं ली जाती, चाहे वनडे हो जाए या टी20। अब सोचते रहो हमारे साथ क्या हो गया, शमी भाई पे ओवर डिपेंडेंसी, सोचते रहो ओवर डिपेंडेंसी, सोचते रहो भाई विकेट नहीं आता लास्ट में कोई वर्ल्ड कप के लिए। अरे पता नहीं कितने साल इंतजार करवाएंगे भाई, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती थी, आपको नहीं मिल सकती थी, नहीं मिल सकती, सही बात है मान की भाई के घर में वर्ल्ड कप हो रहा है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कभी जीवन में नहीं मिल सकती। एक को पीछे भेज देना रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी करने के लिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पोस्ट मैच जो बोलेंगे वो निकाल के दिखा देना, और अलग से भी वीडियो करवा देना रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हद हो गई यार, वैसे सीरियसली हदें पार हो गई एक्चुअली आज, सीरियसली हदें पार हो गई आज। 180 की थर्ड वनडे हम ही जीत रहे और वो ही जीते थे, बोला हम हरा देंगे इंडिया को, उनको पता है कि आपको कैसे हराना है। फॉर ऑस्ट्रेलियंस दिस इज उनको पता है कि आप पे प्रेशर डालो आप क्रम्बल हो जाओगे, वो क्रम्बल नहीं होते प्रेशर में, जब असली प्रेशर पड़ता है ना आप हमेशा क्रम्बल हो जाते हैं। भाई सभी सुपर चैट्स के आंसर देंगे अगले लाइव में, दे देंगे आपके आंसर सभी के मिलेंगे, बता दें पढ़ेंगे सारी, अभी दिमाग नहीं चल रहा भाई, दिमाग चल सब्सक्राइब जरूर कर देना, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पर हो तो फॉलो कर देना भाई। इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 5 T20 मैच की सीरीज भी शुरू है, वहां देखो किसको खेलेंगे आप। T20 सीरीज यार खत्म करो, वर्ल्ड कप तो हार गए ना यार, ये बायलैटरल जीत के बायलैटरल जीत जीत के भगवान बनाना, ये बनाना बड़ा टूर्नामेंट की बात करो, ये खत्म कर दो टूर्नामेंट, ये हम जैसे फैंस को भी समझना चाहिए पहले ही कि कितना किसमें पानी है। गाइस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में पता है दो तीन क्वेश्चन, मतलब सवाल तो लाखों है, पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या है, एक इंसान फिर इस वर्ल्ड कप में रन बनाए टॉप रन स्कोरर विराट कोहली के जहन में समय क्या चल रहा होगा भाई, 700 से ज्यादा यार टाइटल और थंब भेज दीजिए, दे दिए टॉप विकेट टेकर के जहन में क्या चल रहा होगा, टेकर भी आप ही उन्होंने सब कर दिया, दोनों सीनियर लेजेंड दोनों टॉप स्कोरर इन दोनों ने सब कर दिया, शामी भाई सबसे ज्यादा विकेट, सारे बॉलर्स ने कुल मिला के आपके तकरीबन 100 विकेट लिए इस वर्ल्ड कप में, क्या चल रहा होगा भाई, दो खिलाड़ी आपको यही चल रहा होगा कि बड़े मैच पे आके हमारे बस की नहीं है प्रेशर, हमारे जब बड़ा मैच आता है ना हमारे बस की नहीं, हमने झेला ही नहीं है कभी यार, फैक्ट इज ये लोग कुछ नहीं जीत पाए, बात खत्म हो सब आ रहे हैं यार, और एक ही चीज कॉमन थी, बहुत बुरी तरह और टेन्योर खत्म रोहित विराट का, ना सेमीफाइनल जीत पाया ना विराट से क्वेश्चन, अरे आप यही कहा था कि श्रीलंका को फाइनल में हराना एशिया कप के और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराना फाइनल में, बहुत रात दिन का अंतर, रात दिन का अंतर है मेरे भाई, पर आई एम नॉट हैप्पी यार, जेन्युइनली आई एम नॉट हैप्पी यार, हैप्पी तो कोई नहीं है भाई, कोई हैप्पी नहीं है, हैप्पी तो कोई, घटिया परफॉर्मेंस है यार, फाइट भी नहीं दिया आपने एक तरफा हारे वहां भाई, ऐसा तो ऑस्ट्रेलियंस ने भी फाइनल नहीं चाहा होगा, और मैं आपसे क्या कह रहा था पांडे जी, मैं नहीं बोली थी प्रेशर उन पे भी होगा, क्यों, क्योंकि उन्हें लेगेसी आगे बढ़ानी है, उन्हें ये चोक वोक नहीं करना, उन पे 1% का पैसे भी नहीं दिखा भाई यार, एंजॉय किया उन्होंने, शुरू में ठोका 10 ओवर में 80 रन बन गए, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमारे वाले इंटरवल्स में विकेट लेते रहे, उनकी आज बॉलिंग चेंजेस देखो, उनकी फील्ड प्लेसमेंट देखो, पैट कमिंस मिचेल स्टार्क को लाता है विकेट लेता है, पैट कमिंस खुद आता है विराट कोहली को आउट करता है, वो मैक्सवेल को एंड में लाता है, मैक्सवेल को लाता है, रोहित शर्मा को आउट करता है, वो जो मर्जी करता है आपके, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेट लेता रहा, आप इसको लगा लो उसको लगा लो छक्के ही पड़ रहे हैं, बिकॉज वो आपकी तरह बौखला नहीं रहे, रोहित शर्मा खेला है बौखलाहट के साथ, एक बंदा खेला है कंट्रोल के साथ, वो है विराट कोहली, आज का वो बिलोंग करता है इस लेवल पे, एंड शामी बॉलर तो चलो आपके बुमराह ने भी ले ली दो विकेट, तीसरा भी ले गया था वो LBW था, मिला नहीं आपको, खैर मिल भी जाता तो कौन सा आप जीत जाते, रिक्वेस्ट था आज का मेडल केएल राहुल को ही दिया जाए, मेडल अरे क्या मेडल ही मिला मेडल यार, क्या मेडल ना मेडल भाई, आप सब धरा का धरा रहे, मेडल दो सबको, मेडल दे दो, मेडल ये दो कि आप बड़े मैचेस में मेडल ले लो भाई, बड़े कितने सपने देखे हैं बताऊं ना, बड़े मैच में आने से पहले आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए भाई, हाँ भाई जरूरी है यार, बड़े मैच में आने से पहले बुलाना चाहिए किसी उस ऐसे इंसान, बुरा तो मुझे इनके लिए लगता है यार, आपके अंदर से ये डर निकाल सके भाई। विराट कोहली पे आप इल्जाम लगाते थे कि विराट की कप्तानी में भाई वो क्या क्या कर ले,
क्या क्या कर ले, वो 750 रन मार दिए उसने टूर्नामेंट में, अभी भी तुम नहीं जीत पा रहे तो वो क्या करे, और तो कुछ नहीं कर सकता इससे ज्यादा। जिस दिन जीतना था उस दिन हार गए। रोहित शर्मा प्रेशर हैंडल नहीं कर रहा था। तुम जब ऐसी पर्चियां केएल राहुल टाइप खिलाओगे जो बड़े मैच में चोक करेगा ही करेगा, अपनी एबिलिटी पे नहीं खेलेगा कभी। और सूर्या, सूर्या तो आउट एंड आउट पर्ची है भाई, सूर्या तो वनडे में चला ही नहीं कभी, आज तक नहीं चला। अच्छा आज सूर्या को तुमने खिलाया, तुमने फिर उसको ऊपर क्यों नहीं भेजा, अगर वो इतना बड़ा वनडे प्लेयर था कि तुम वर्ल्ड कप खिला रहे हो, जडेजा को क्यों भेजा, जडेजा को क्यों भेजा तुमने। भाई नहीं खेला जा रहा प्लेयर से, तुम जबरदस्ती खिलाए जा रहे हो, सूर्या को भी घुसा ले, केएल राहुल को भी घुसा ले, ऋषभ पंत को बाहर कर ले, कीपिंग भी केएल राहुल से करा ले, जब एंड मोमेंट आया, क्रंच मोमेंट आया, उसके हाथ कांप रहे थे कीपिंग करते हुए, कितनी मिस करी आज उसने बोले बताओ, राइट के चौके दे रहा है, पीछे छोड़ रहा है, बॉल उसे पकड़ी जा रही, यही होता है नॉन विकेट कीपर होने में और फुल टाइम विकेट कीपर होने में, यही डिफरेंस होता है भाई। देखो कच्ची पक्की टीम बना के एशिया कप तो जीत सकते हो, वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता, और 10 मैच तुम जीते जरूर हो, बट ये याद रखना कि तुम अपने घर पे खेल रहे थे, अपनी पिचेस पे खेल रहे थे, अपने क्राउड के सामने खेल रहे थे, और इतना ऑपोजिशन तगड़ा नहीं था। लेट्स बी ऑनेस्ट, इंग्लैंड ने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान ने बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, साउथ अफ्रीका चोक कराया काफी बार, कोई तुम्हें चैलेंज नहीं दिया, एक या दो टीम न्यूजीलैंड थोड़ी बहुत ठीक खेली है, वो अनलकी रहे तुम्हारे अगेंस्ट, शमी भाई ने आउटस्टैंडिंग स्पेल कर दी इसलिए तुम जीती, वरना चेस में वो भी 350 बना गए थे ऑलमोस्ट, एंड ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें दिखा दी तुम्हारी औकात, सीधी बात तो यही है। अब तो फॉर्मेलिटी, ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हें दिखा दिया फॉर्मेलिटी में, फर्जी बन रहे हो अपने आप को हीरो, असली चैंपियन हम ही है। देखो रैंकिंग, आप रैंकिंग में अभी भी नंबर वन रह सकते हो, लेकिन रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप नंबर वन बैटर, नंबर वन बॉलर, नंबर वन टीम होके भी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते तो हमने क्या अचार डालना है ऐसी रैंकिंग का। पैट कमिंस यार डब्ल्यूटीसी जीत गया भाई, पैट कम भाई ऑस्ट्रेलियन, इनकी है लेगेसी यार, समझो कप्तानी, जो कप्तान बनता है वो ट्रॉफी जीतता है, हमें यार वो बात ही नहीं है, देखो आराम से खत्म। चलो भाई इसको ब्रेक करते हैं और फिर जुड़ते हैं, बिकॉज़ अब 4 रन रह गए, लाइक कर देना जरूर, लाइक नहीं किया गाइस, दो मिनट में आगे, दो मिनट में, और सारा का सारा विश्लेषण करेंगे विद ग्राफिक्स के किसने क्या किया है। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हुआ भी है ना फाइनल में, ये क्यों हुआ है, जो लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं ना एनालिसिस के लिए, आज आपको पूरा इन डेप्थ समझाऊंगा। कोई फैन भी होगा किसी का, केएल राहुल का, रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, जो भी है फलान ढमकान, सबके अपने होते हैं भाई, ऑब्जेक्टिवली सुनना पॉइंट को। चलिए अभी चलते हैं, जय हिंद जय भारत, जुड़ रहे हैं तुरंत बाद।